अच्छा जी, स्पोर्ट्स क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, खैरियत से? अच्छा, आप लोग कुछ स्लाइड्स वगैरह आई हैं? बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रेसीज। ठीक है, प्रेसी को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रेसी के रूल्स को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक हो गया, और उन रूल्स को अप्लाई करते हुए आज हम एक स्किल अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू फॉर्मुलेट आवर प्रेसीज। हेडिंग दिस पॉइंट, आपको तीन पैराग्राफ्स आपके ग्रुप पे आए होंगे, थोड़ा तो चेक करें, अभी तक नहीं है? नहीं, पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं, प्रेसी के हवाले से। चले, वो अपने प्रिंट्स लेने गए हुए, आ जाते हैं वहां से। ठीक है, इसको बंद नहीं कर देते यार, ठीक होते हैं इसकी। ऐसा लगता है जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली हो जब ये चलता है। वो जो टैंक्स चलते थे ना, किस तरह की आवाज होती थी ना, वो जो अल-खालिद टैंक आजकल पाकिस्तान ने लिया है, कहाँ से लिया अल-खालिद टैंक? चाइना से लिया। ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया। कुछ नए बच्चे नहीं नजर आ रहे? आप नए बच्चे हैं? नए पुराने? पहले क्लासेस नहीं ली? फर्स्ट क्लास में। अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज अ प्रेसीज? प्रेसी से आप लोग क्या अंडरस्टैंड लेते हैं? अच्छा, शॉर्ट समरी ऑफ अ पैराग्राफ। So there's a passage which we get, and then we have to elaborate in our own language. Elaborate or concise? Gigi, I'm sorry. Concise is the best word for the precise. Concise is the right word for the precise. क्योंकि आपने precise के अंदर कोई चीज elaborate नहीं करनी। Precise is exactly opposite to essay. ऐसे में आप चीजों को खोल के और एक्सपैंड करके बयान करते हैं। प्रेसी के अंदर आप लोग क्या करते हैं, चीज को कंसाइज करके और उसका कंसाइज्ड वर्जन आप लोग जो है वो बयान करने की कोशिश करते हैं। साकिब, आप बताइए कि प्रेसी को क्या, व्हाट, हाउ डू यू सी द प्रेसीज? अच्छा, अभी तक आप लोगों ने कोई प्रेसी सॉल्व की है? आपने किए सॉल्व? प्रेसी में इतनी फेलिंग रेशियो क्यों ज्यादा है स्टूडेंट्स की? मेरी एक बात अंडरस्टैंड करें, जिस तरह मैंने आपको आउटलाइन अभी आपके साथ एक थोड़ी सी आउटलाइन हुई है, हाफ या 25%, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि एसे राइटिंग एक स्किल है। एसे राइटिंग इज द नेम ऑफ अ स्किल, कि जिसमें आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है, उसके ऊपर राइटिंग करनी है। उसी तरह से प्रेसी भी एक स्किल का नाम, एक आर्ट का नाम, एक कला का नाम,
आप सारे कलाकार हैं और आपने कला से अपनी प्रेसी को जनरेट करना। सो प्रेसी इज द नेम ऑफ एन आर्ट, एक आर्ट का नाम है, वो आर्ट हमने प्रेसी में सीखना है। ठीक हो गया। आज की मेरी क्लास में मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों को मैं ए टू जी समझाऊं और समझा के घर भेजूं अच्छी तरह से कि प्रेसी क्या चीज होती है। स्टेप्स लिख लें जरा कुछ जो आज हमने फॉलो करने हैं, क्योंकि प्रेसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है स्टूडेंट को। आज हमने सारे मिथ्स को क्रॉस करना है और आज अभी तक आपने प्रेसी के बारे में जो कुछ सुना है अपनी जिंदगियों में उसको एक लम्हे के लिए आप जरा साइड कर देना, माइंड को बिल्कुल फ्री छोड़ दें और जो चीजें मैं अभी आपको बताने लगा हूं उन चीजों को आप बहुत अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड करें विद क्लियर माइंड सेट। नंबर वन, हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे प्रेसी के रूल्स। आज लिखते जाए इनको और रूल्स आप लिखते जाएंगे साथ साथ। रूल्स रूल्स लिखे ना बेटा, रूल्स। नंबर वन, जो रूल्स मैं आज आपको प्रेसी के समझाऊं उन रूल्स को आपने वायलेट नहीं करना किसी भी सिचुएशन में। रूल्स नंबर टू, इन रूल्स को अप्लाई करेंगे और एक पैराग्राफ को आज हम सॉल्व करेंगे। वी विल अप्लाई दीज रूल्स, वी विल लर्न टू अप्लाई दीज रूल्स एंड बाय अप्लाइंग दीज रूल्स वी विल सॉल्व अ पैराग्राफ। पॉइंट नंबर थ्री, while applying and solving the paragraph we will understand the skill, hunar, skill seekhenge ek achhi decent moderate reasonable pressi banane ka। so aaj humne baat karni hai skill pe, hunar pe baat karenge। बुक जो आप लोग फॉलो करेंगे वो है आर डिलन, आर डिलन, आर ठीक है। म्यूट कर दें इसको ना, म्यूट ही ठीक है, कहां से म्यूट होगा बेटा ये, आई एम नॉट द होस्ट राइट नाउ, इसको म्यूट कर दें। वो अपना मुदस्सर रहमत, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली म्यूट रखें इसको, बिल्कुल म्यूट कर दें। बुक जो हम फॉलो करेंगे दैट इज आर डिलन, आर डिलन बुक को हम जो है वो फॉलो करने की जसारत करेंगे। आर डिलन में से इनिशियली हम कुछ 5-6 पैराग्राफ्स करेंगे आर डिलन में से। दिस इज अ वेरी वंडरफुल बुक, इसमें आपके सीएसएस की दो प्रेसीज इसमें से आ चुकी है इस बुक में से। और ये बुक बेसिकली है इंडियन सिविल सर्विसेज की बुक और आई हैड लर्न्ड द प्रेसी ऑन दिस बुक। इनिशियली वी विल मेक फ्यू प्रेसीज, 5 or 6 प्रेसीज फ्रॉम दिस बुक, देन वी विल शिफ्ट टू द पास्ट पेपर्स सीएसएस और पीएमएस के, और हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे प्रैक्टिस से पास्ट पेपर्स की प्रेसीज को सॉल्व करें, ताकि जब आप पास्ट पेपर्स की प्रेसीज को सॉल्व करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा और बहुत रैपिड इंप्रूवमेंट होती है। सो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ गेम। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? ऑलराइट। अगर मैं लव्स प्रेसीज लिखूं, प्रेसीज, इस वर्ड प्रेसीज का मीनिंग क्या है? प्रेसी का ये जो वर्ड है ये निकला है एक लैटिन वर्ड से जिसका जो के है पी आर ए सी ई आई डी आर ए, उसको आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़ा, यहां से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है लातिनी जुबान से, लैटिन से। इस वर्ड का मीनिंग होता है टू कट फ्रंट, टू कट इन फ्रंट एंड मेक शॉर्ट। लिखें इसको, टू कट इन फ्रंट एंड मेक शॉर्ट। ग्रेजुअली दिस वर्ड गॉट एब्जॉर्ब इन टू द इंग्लिश और आज अगर हम इंग्लिश में इस लफ्ज का मफहूम देखें या इंग्लिश में इस लफ्ज की रेलिवेंस देखें, एक
single paragraph which is definite, exact, concise, and written in your own simple to the point language. कि आपने अपने अल्फाज के अंदर एक एग्जैक्ट कंसाइज पैराग्राफ जनरेट करना है ओरिजिनल पैराग्राफ का, उसको आपने अपने अल्फाज के अंदर लिखना है, कम से कम अल्फाज उठाने हैं ओरिजिनल पैराग्राफ के, कम से कम सेंटेंसेस बोरो करने हैं ओरिजिनल पैराग्राफ के। प्रेसी होती है इस तरह से कि आइडिया उसका अल्फाज आप आइडिया उसका होगा अल्फाज, जिस तरह आप सुपारी लेते हैं ना किसी बंदे की कि पैसे आप तय करेंगे काम वो तय करेगा, ठीक है, आइडिया उसका होगा और अल्फाज आपके होंगे। प्रेसी हमेशा वर्ड्स की होती है, आइडिया की नहीं होती, कि ओरिजिनल पैराग्राफ्स के अंदर जो मेन आइडियाज होंगे उन आइडियाज को आपने इंटैक्ट रखना, सिर्फ वर्ड्स कट डाउन करना, और वर्ड्स को आपने कट डाउन इस तरह नहीं करना है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ओरिजिनल पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसमें से वर्ड्स रिमूव कर देते हैं, वही वर्ड्स, वही सेंटेंसेस, वही वर्जन ऑफ राइटिंग कॉपी पेस्ट हुआ होता है, सिर्फ वर्ड्स शॉर्ट हुए होते हैं। दिस इज अ कंप्लीट डिजास्टर। आपने पैराग्राफ को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, अपने अल्फाज में 1/3 बनाने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा सिंपल रह सकते हैं, जितना ज्यादा टू द पॉइंट रह सकते हैं, और जितना कंसाइज रह सकते हैं आपके, ये मैं अभी आपको ओवरऑल बता रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता भी चीजें अभी आपको जरा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, तसल्ली से आपने लेक्चर को सुनते रहना। अगर मैं प्रेसी को डिफाइन करूं, प्रेसी इज अ क्लियर, ब्रीफ, एक्यूरेट, वेल कनेक्टेड समरी। प्रेसीज इज अ क्लियर, ब्रीफ, एक्यूरेट एंड वेल कनेक्टेड समरी और जिस्ट ऑफ द गिवन पैराग्राफ। जिस्ट, GIST, जिस्ट, यानी कि गिवन पैराग्राफ की समरी होगी आपकी प्रेसी, वो समरी जो आप दोबारा रिपीट कर दें। Precise is a clear, brief, accurate, well-connected summary or gist of the given paragraph. This point is clear? कि एक पैराग्राफ होगा, ये अभी जरा आपके ग्रुप में मैं सेंड कर रहा हूं। एक सेकंड में जो चीजें सेंड कर रहा हूं मैं सारी आपको सेंड कर रही हूं। जो आपने मुझे तीनों फॉरवर्ड किए वो सेंड करते हैं, वो करता है, वो करी नहीं हो पा रही ना, एक जो है वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप वाली मैं दोबारा कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप वाली कर रहा हूं और ये कर रहा हूं, ये दोनों ना अभी शेयर करूंगा, सारा कुछ अभी शेयर करूंगा। अच्छा जी, ये जरा आपके ग्रुप पे आना जरूरी है ताकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा, आप इधर से देखते जाएं और चीज को अंडरस्टैंड करें सही तरह से। जब आ जाए मुझे बताइएगा। म्यूट कर दें, म्यूट कर दें, सवाल करके म्यूट कर दें अगर प्लीज।
मुदस्सिर अहमद म्यूट कर दें। हाँ जी देखिए यार, रिसीव हो गया आप लोगों। हाँ जी चेक करें। सर हो गई है शेयर। रिसीव हो गया? ठीक है, ये ओरिएंटेशन वाले पेज पे जाए जरा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, ये भी ले लो, ये एक एक पेज, एक ये वाला, एक ये वाला, एक एक पीछे को। ठीक है, हाँ जी रिसीव हो गया। ओरिएंटेशन वाला पेज होगा, पीएमएस वाला, उसके नीचे जाएं, वहां पे रूल्स ऑफ द प्रेसीज होंगे, वहां पे आप पहुंचे जरा, रूल्स ऑफ द प्रेसीज पे। यहाँ पे डेफिनेशन जहां से स्टार्ट हो रही है ना, वहां से आ जाओ। ये सारी ऊपर वाली अननेसेसरी बातें फिलहाल इनको छोड़ दें। आप प्रेसीज इंट्रोडक्शन वाली, ये जो स्लाइड है ना, प्रेसीज इंट्रोडक्शन वाली,
सबके पास है, यहां से आप लोग का इंट्रो बोलना। हाँ जी, सबके पास ओपन हो गया। बेटा आप लोगों के पास नहीं हुआ अभी तक ओपन, आपके पास हो गया, सबके पास ठीक हो गया। काइंडली पेज बताइएगा बेटा। ये प्रेसीज का जो इंट्रोडक्शन है ना, जहां पे ये प्रेसीज इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट यहां पे आ जाए जहां से प्रेसीज का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 बन रहा है। प्रेसीज के इंट्रोडक्शन से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। पर मेरे पास तो नहीं है। सबके पास है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके पास भी पहुंच गया? यस सर, यस सर, जी सर, यस सर, मिल गया। ऑल राइट, ये दो डिफरेंट पेजेस थे ना यार, ये वाला कौन, ये वाला इस तरह दे दे, एक ये वाला और एक ये वाला, आपको एक दोनों में इसको आप भी सबके पास। सर मुझे नहीं पेजेस मिले। आप ग्रुप के अंदर एडिट हैं? हाँ जी सर, मैं ग्रुप के अंदर ऐड हूँ। आपके ग्रुप पे आ चुका होगा ना, एक ओरिएंटेशन वाली है जिसमें प्रेसीज इंट्रोडक्शन है, उसको आप ओपन करो। चले जी, यहां से आप आ जाए प्रेसीज इंट्रोडक्शन से, ठीक है? सबके पास है आप? ऑल राइट। अगर हम प्रेसीज के मीनिंग को अगर अंडरस्टैंड, सो इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड व्हिच मींस टू कट ऑफ इन फ्रंट। यानी कि अगर इसका हम लिटरली मीनिंग निकालें प्रेसी का, इसका मतलब होता है किसी चीज को कट ऑफ करना, किसी चीज को कट शॉर्ट करना। सो प्रेसी का मतलब होगा किसी चीज को शॉर्ट करना। मीनिंग इन इंग्लिश अगर हम इसको देखें, ग्रेजुअली गॉट अब्सॉर्ब्ड इन द इंग्लिश, तो इसमें यह है कि वन पैराग्राफ दैट इज डेफिनेट एग्जैक्ट एंड कंसाइज, कि आपने एक पैराग्राफ जनरेट करना है। चाहे अगर आपकी ओरिजिनल जो पैराग्राफ है वो दो है, चाहे तीन है, चाहे चार है, लेकिन आपने जो प्रेसी बनानी है वो एक पैराग्राफ की आपने बनानी है, और वो इंतहाई कंसाइज वर्जन ऑफ द राइटिंग होना चाहिए। डेफिनेशन को देखें, अगर हम प्रेसी को डिफाइन करें, प्रेसीज इज अ क्लियर ब्रीफ एक्यूरेट वेल कनेक्टेड समरी और जिस्ट ऑफ अ रिटन पैराग्राफ। आपका जो गिवन पैराग्राफ होगा उसकी वेल कनेक्टेड ब्रीफ सी एक समरी आपने बनानी है, वो होगी आपकी प्रेसीज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रेसीज क्या होंगे, कि आपका जो गिवन पैराग्राफ है उसका सेलिएंट आइडिया, मेन थीम या मेन मीनिंग ऑफ द पैसेज, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ये क्लियर होना चाहिए, सिंपल कोहेरेंट और नेचुरल लैंग्वेज में आपने लिखना है, व्हाइल प्रिजर्विंग द स्पिरिट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। कि आपने जो आपके पास ओरिजिनल पैराग्राफ होगा उसको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके आइडियाज को कैच करना है और उन आइडियाज को अपने अल्फाज के अंदर कन्वर्ट करना है, सिंपल तीन अल्फाज के अंदर, और वन थर्ड बनानी है आपने। अगर हम रूल्स ऑफ द प्रेसीज पे बात करें, सबसे पहली चीज है इसका टाइटल, रूल्स ऑफ द प्रेसीज। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइटल।
प्रेसी का आपने एक सूटेबल टाइटल जनरेट कर, ठीक हो गया। टाइटल समटाइम्स ही आस्क्स फॉर द टाइटल, समटाइम ही डजंट आस्क फॉर द टाइटल। बाज़ औकात प्रेसीज के अंदर वो टाइटल मांगा होगा उसने कि एंड सच अ सूटेबल टाइटल, बाज़ औकात क्वेश्चन के अंदर नहीं उसने पूछा होगा। इन बोथ ऑफ द केसेस यू हैव टू गिव द टाइटल बिकॉज टाइटल कैरीज द एक्स्ट्रा मार्क्स। टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। टाइटल कैसे करना है, इट इज अ मस्ट कि ये आपने टाइटल लाजमी बनाना है। गिव द टाइटल इफ इवन इफ इट इज नॉट आस्क्ड, अगर नहीं भी पूछा हुआ फिर भी आपने टाइटल जो है वो लाजमी देना है। टाइटल को अगर हम डिफाइन करते हैं तो टाइटल होता है प्रेसीज ऑफ द प्रेसीज कि आपने जो पैराग्राफ रीड किया, अंडरस्टैंड किया और उसको अपने अल्फाज में लिखा, तो आपने जो प्रेसी बनाई, हर प्रेसी का जो पैराग्राफ होता है उसका एक सेंट्रल मीनिंग होता है। वो सेंट्रल मीनिंग यानी कि जिस मीनिंग के गिर्द प्रेसीज रिवॉल्व कर रही है, उस सेंट्रल मीनिंग को आपने अपने अल्फाज के अंदर लिख लेना है। दैट विल बी योर टाइटल। टाइटल लिखते हुए आपने टाइटल को नाइदर जेनेरिक करना है नॉर टू स्पेसिफिक करना है। टाइटल वो होगा जिसके गिर्द पूरा पैराग्राफ रिवॉल्व कर रहा। फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा नेशनलिज्म, कि पूरे पैराग्राफ में वो एक चीज बता रहा है, दैट इज द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2016 की जो प्रेसी है उसका टाइटल बनता है ट्रिप टू चेरोकी। फॉर एग्जाम्पल जो 2020 की प्रेसी है उसका टाइटल बनता है निजार हसन आर्ट अ सोर्स ऑफ साल्वेशन। उसके बाद वाले प्रेसी का टाइटल बनता है मिंटो अ बोल्ड टाइटल, बोल्ड पर्सन। गेटिंग दिस पॉइंट? सो जो सेंट्रल मोस्ट थीम होगा पैराग्राफ का उसको आपने उठा के एज अ टाइटल लेके आना। बाज़ औक़ात ये बात की जाती है कि टाइटल या तो स्टार्ट में होता है या पैराग्राफ के एंड में होता है, लेकिन ये एक जुगाड़ वाला काम है। सबसे बेस्ट टाइटल वो होगा जिसके एंड पैराग्राफ रिवॉल्व कर रहा हो। आप पूरे पैराग्राफ को देखें, शुरू में वो फासिज्म की, फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है वो दैट इज अबाउट फासिज्म। पहले पार्ट में वो फासिज्म के करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है, दूसरे पार्ट में वो उसके इम्पैक्ट्स बता रहा है, तीसरे पार्ट में उसके सॉल्यूशंस बता रहा है। तो अगर आप किसी पार्ट स्पेसिफिक टाइटल बनाते हैं तो वो आपका टाइटल सही नहीं होता, क्योंकि अगर आपने लास्ट पार्ट के, अगर आपने ये बना लिया टाइटल के सॉल्यूशन ऑफ द फासिज्म, तो आपने लास्ट पार्ट का टाइटल बना दिया। अगर आपने बता दिया एट्रीब्यूट्स ऑफ फासिज्म, तो आपने वो पहले पार्ट का टाइटल बना दिया। आपने ओवरऑल बात करनी है थ्योरी ऑफ फासिज्म कि पूरा पैराग्राफ किस चीज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा, क्योंकि जो प्रेसीज के पैराग्राफ्स होते हैं एक थॉट पे बेस्ड होते हैं, उस थॉट को डिफरेंट वे से उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है डिफरेंट तरह से। सो टाइटल जब आप बहुत स्पेसिफिक बनाते हैं तो यू आर मेकिंग द टाइटल अबाउट एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पैसेज, बट द टाइटल ऑट टू बी अबाउट द कंप्लीट पैसेज। सो ये चीजें अभी हम थोड़ी देर में पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे, वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि प्रेसी बेसिकली बनानी कैसे। अभी जस्ट हम 10-15 मिनट में रूल्स को देखें। गेटिंग दिस पॉइंट? अच्छा जी। और टाइटल शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द फ्रेज। कुछ लोग टाइटल बहुत लेंथी बनाते हैं, लेंथी टाइटल आप लोगों ने नहीं बनाना कि इन द इम्पैक्ट ऑफ द नेशनलिज्म एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एंड द इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड पूरा एक सेंटेंस या पूरा दो सेंटेंस लिखा होता है। टाइटल जिस तरह आप हेडिंग्स बनाते हैं ना, द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म, द फिलोसफी ऑफ थ्योरी, द थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, या इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, या एक फ्रेज, अ मीनिंगफुल फ्रेज, वो आपने बनाना है। लेंथी टाइटल आप लोगों ने नहीं बनाना। फॉर एग्जाम्पल द इम्पैक्ट ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, ये एक टाइटल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, ये एक टाइटल हो सकता है, ठीक है। इट शुड एंटेल द होल प्रेसीज, कि टाइटल ऐसा होना चाहिए कि जो पूरी प्रेसी को इनकॉर्पोरेट करता हो, पूरी प्रेसी को एंटेल करता हो। द होल प्रेसी रिवॉल्व्स अराउंड दैट थीम, तो जो मेन थीम होता है जिसके गिर्द पूरी प्रेसी रिवॉल्व कर रही है, वो थीम आप लोगों ने कैच करके उसका टाइटल जो है वो उसको एज अ टाइटल के तौर पे सिलेक्ट करना है। अ गुड टाइटल इज जनरेटेड इफ पैराग्राफ इज वेल स्टडीड एंड प्रॉपरली अंडरस्टूड। एक चीज मैं आपको बता दूं, आप
कुछ बच्चे कैजुअल अप्रोच के साथ, बेटा आप साकिब सर ठीक होके बैठे, डॉक्टर साहब आप भी जरा, ठीक है, उसको सीरियसली लीजिए। कई सारे प्रेसीज आपकी टाइटल पे ही फेल हो जाते हैं। टाइटल बहुत अहम डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अ गुड नंबर ऑफ द प्रेसीज फेल ऑन टाइटल, क्योंकि अगर आपने टाइटल इररेलेवेंट दिया है, टाइटल गलत बनाया है, इट मीन्स कि आपने प्रेसी गलत बना दी है। सो टाइटल बहुत अहम चीज है, और राइट टाइटल आप सिर्फ तब जनरेट कर सकते हैं अगर आपने पैराग्राफ को सही अंडरस्टैंड किया। अंडरस्टैंडिंग द राइट, द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड उस अंडरस्टैंडिंग को कंसाइज्ड वर्जन में लिखने का आर्ट प्रेसी का, इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें। जो पैराग्राफ आपको दिया होगा उसके अंदर वर्बोसिटी होगी, हर पैराग्राफ के अंदर। ऑलमोस्ट मैंने सीएसएस के तकरीबन सारे सॉल्व किए फ्रॉम 1970 ऑनवर्ड, सारे कैटेगरीज होती हैं पैराग्राफ्स की, जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं वो एक थॉट पे बेस्ड होते हैं, एक थॉट कैरी हुई होती है, लेकिन उसके अंदर डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, उसके अंदर वर्बोसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर अनयूजुअल वर्ड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जिससे स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो जो सेंट्रल मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ है वहां तक नहीं जा सकते। आपने वर्बोसिटी, जितने भी वो जार्गन्स थ्रो कर रहा है, जितनी भी वो चीजें इस तरह की आपको घुमा रहा है, आपने सेंट्रल मीनिंग ऑफ द पैसेज तक जाना, कि जिसको हम कहते हैं ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, कि उसमें एक्चुअल बात क्या हो रही है वो होगी प्रेसी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि द सन वॉज राइजिंग, द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, द पीपल वर वॉकिंग हेयर एंड देयर, एंड द बर्ड्स वर चिरपिंग, चार सेंटेंसेस है। अब इन चार सेंटेंसेस में बेसिकली वो बात क्या कर रहा है, इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग टाइम, दिस इज द प्रेसिस, कि आपने अल्फाज के अंदर या सेंटेंसेस के अंदर खो नहीं जाना, आपका काम है ये चार सेंटेंसेस एक मैसेज कन्वे कर दो। कहा ये जा रहा है इट वॉज द मॉर्निंग टाइम, ये पकड़ के आपने लिखना है, और ये होगा जिसको हम कहते हैं जामे राइटिंग, कि मजमूई अंदाज में राइटिंग करना, कि जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट राइटिंग करना, कि आपने वो वर्ड्स लिखने हैं, वो सेंटेंसेस लिखने हैं जो आपके चार पांच सेंटेंसेस की थॉट को एक या दो सेंटेंसेस में बयान कर रहे हैं। ये आर्ट आप लोगों ने बेसिकली सीखना है, जो अभी हम थोड़ी देर में इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। सो टाइटल के बारे में ये रूल्स हैं, टाइटल को भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से आपको ये टाइटल डेवलप हो जाएगा। रूल नंबर टू, पर्सन, प्रेसीज इज ऑलवेज डन इन थर्ड पर्सन प्रोनाउन, कीप दिस थिंग इन माइंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से, ही शी इट दे, के ही इज ऑफ द व्यू, द ऑथर इज ऑफ द व्यू, ही थिंक्स दैट, अकॉर्डिंग टू ऑथर, अकॉर्डिंग टू हिम। अब फॉर एग्जाम्पल जो 2016 की है वो सारी ऑथर सेंट्रिक, आप ही का इस्तेमाल करें। 2007 की है अबाउट द ग्रीक्स, उसमें भी आप देम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपने प्रेसी का जो पर्सन रखना है ना वो थर्ड पर्सन रखना है। अगर आप फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करें लाइक आई का, मी का, वी का, या सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल करें जो कि बच्चे अमूमन कर जाते हैं, यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, दैट इज द रूल इन द प्रेसी, आपने इनडायरेक्ट बात करनी है और हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। इवन दो आई टेल अलॉट कि आपने थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, आप में से कई लोग प्रेसी में फर्स्ट पर्सन का कर रहे होंगे और सेकेंड का भी कर रहे होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं बार बार एम्फिसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ये बड़ा अहम पॉइंट है, स्टूडेंट्स फिर भी ये अनकॉन्शियसली मिस्टेक कर देते हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आपने सारी प्रेसी बनानी है, कीप दिस थिंग इन माइंड, स्ट्रिक्टली अवॉइड द यूजेज ऑफ आई, मी, वी, अस, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, द राइटर इज ऑफ द व्यू, ही सेज दैट, ही थिंक्स दैट, अ पर्सन शुड डू, वन ऑट टू डू, इन अल्फाज का आपने बात करनी है, थर्ड पर्सन की तरह आपने लेके चलनी है बात को। दिस पॉइंट इज क्लियर। स्टेप नंबर थ्री या रूल नंबर थ्री, टेंस। अब बाय डिफॉल्ट ये एक वाइडली एक्सेप्टेड रियलिटी मानी जाती है कि प्रेसीज इज ऑलवेज डन इन पास्ट सेंटेंस, बट दिस इज नॉट राइट। यूजली ज्यादातर प्रेसीज पास्ट टेंस के अंदर होती हैं, बट हर प्रेसी पास्ट टेंस के अंदर नहीं होती।
2016 वाली सारी पैसी पास्ट में करेंगे, 2006 वाली सारी पैसी प्रेजेंट में करेंगे, 7 वाली सारी प्रेजेंट में करेंगे, पीएमएस 2017 की सारी पैसी प्रेजेंट में होगी, आज जो हम पैरा एक ग्राफ डिस्कस करेंगे उसको भी प्रेजेंट में करेंगे। हर पैराग्राफ को आप पास्ट में नहीं करेंगे, पैराग्राफ कई सारे ऐसे पैराग्राफ्स होते हैं जिनको आपने उसी लैंग्वेज में करना होता है जिस लैंग्वेज में वो पैराग्राफ गिवन होता है। गेटिंग दिस पॉइंट? जनरली द प्रेसीज इज रिटन इन द पास्ट, दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट दैट द प्रेसीज आर रिटन इन द पास्ट, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। बट इन सम केसेस प्रेसीज आर रिटन इन द सेम टेंस एज द ओरिजिनल पैराग्राफ, कि कई सारी ऐसी प्रेसीज होती हैं जिनको आप ओरिजिनल जो पैराग्राफ है उसी ओरिजिनल पैराग्राफ के अंदर, ओरिजिनल पैराग्राफ का जो टेंस है उसी के अंदर करेंगे, हर प्रेसी को पास्ट में नहीं लेके जाएंगे। और इसमें जो वाइडर एक रूल बयान किया जा सकता है वो ये है कि वो प्रेसीज जिसके अंदर यूनिवर्सल फैक्ट्स बयान किए जा रहे हैं, लाइक सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इनटू द वेस्ट, लाइक हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, लाइक कोई ऐसी प्रेसीज जो फैक्चुअल रियलिटीज पे बेस्ड कर रही हो, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे हो, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पे हो, जो फैक्चुअल बातें कर रही हो उसको आप प्रेजेंट में रखेंगे। उस प्रेसी को आप किसके अंदर रखेंगे? प्रेजेंट के अंदर रखेंगे। बट विच टेंस टू चूज विल बी डिटरमिंड मेनली थ्रू योर प्रैक्टिस एंड सेंस। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 पैराग्राफ्स ये करेंगे, पास्ट पेपर्स के पैराग्राफ करेंगे, तो आपके अंदर एक हैबिट डेवलप होगी, आपके अंदर एक नर्व डेवलप होगी, आपके अंदर एक फाइन सेंस ऑफ जजमेंट डेवलप होगी, और उस सेंस से आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रेसी को कैसे करना। गेटिंग दिस पॉइंट? कि जब आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है तब आप पैराग्राफ को आराम से कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं, और पैराग्राफ विल टेल यू हाउ टू डील विद दिस। दिस सेंस विल कम ओनली एंड ओनली थ्रू प्रैक्टिस। दिस इज द गेम ऑफ द प्रैक्टिस, कि आपने अपनी जजमेंट से अंडरस्टैंड करना है कि इस प्रेसी को आपने कौन से टेंस के अंदर लेके, और वो जजमेंट आपकी आएगी मेनली थ्रू प्रैक्टिस। रूल नंबर 4, फॉर्म ऑफ स्पीच। फॉर्म ऑफ स्पीच आपने हमेशा इनडायरेक्ट रखनी है, फॉर्म ऑफ स्पीच इनडायरेक्ट रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसीज इज ऑलवेज रिटन इन द इनडायरेक्ट टेंस, कन्वर्ट द डायरेक्ट टेंस इनटू इनडायरेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई प्ले क्रिकेट, तो आप इसको किस तरह का लिखेंगे? द ऑथर प्लेड क्रिकेट, या ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट, द ऑथर प्लेड क्रिकेट, या द पर्सन प्लेड क्रिकेट। एग्जैक्ट उसके वर्ड्स उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, यानी है जी पर्सनल प्रोनाउन तो करेंगे, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। देखें, ही शी इट दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन्स हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स हैं। थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स कौन से होते हैं? ही शी इट दे, इनका आप इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पर्सन का यानी कि आई का, मी का, माई का, वी का, आवर का, यू का, यूर का, यूर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही शी इट और दे का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक हो गया? सो इफ द पैराग्राफ इज इन डायरेक्ट टेंस, यू विल कन्वर्ट दिस इनटू इनडायरेक्ट टेंस। यू विल कैरी द मैसेज इनडायरेक्टली, मैसेज विल बी कैरीड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ बट इन इनडायरेक्ट वे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? लेंथ ऑफ द प्रेसी, इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है स्टूडेंट्स को। लेंथ ऑफ द प्रेसीज विल ऑलवेज बी 1/3, हमेशा आप प्रेसी की लेंथ 1/3 बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो ओरिजिनल पैराग्राफ है ये 300 अल्फाज का है, ठीक है, सपोज कर लेंगे ओरिजिनल पैराग्राफ इज ऑफ 300 वर्ड्स, सो जो पैराग्राफ प्रेसी का आप बनाएंगे वो कितने वर्ड्स का होगा? 100 वर्ड्स। बट एग्जैक्टली 100 वर्ड्स का पैराग्राफ बनाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, लाजमी इसके अंदर ऊपर नीचे होता है। तो आप इसके अंदर मार्जिन ले सकते हैं प्लस माइनस फाइव वर्ड्स। थैंक यू बेटा।
फॉर टेलिंग मी दिस ग्रेव रियलिटी. प्लस माइनस फाइव वर्ड्स का मार्जिन देंगे. दिस पॉइंट इज क्लियर. यानी कि 100 में अगर 5 किए जाए कितने ऐड बनेंगे? 105. इसमें से माइनस करें 5 कितने बनेंगे? 95. तो आपकी प्रेसी इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में 95 to 105. 95 बना दें, 96 बना दें, 97, 101, 102, 104, 105. 5 वर्ड्स के डिफरेंस से ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट है. 5 वर्ड्स का डिफरेंस इज ओके. क्योंकि आप ये अंडरस्टैंड करें कि रूल है प्रेसी का कि प्रेसी 1/3 होती है, और रूल में आप उस 1/3 से जितना दूर होते जाएंगे नुकसान आप करेंगे. ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन रूल्स को आपने वायलेट नहीं करना, अपने कोई इनोवेशन वहां पर नहीं करना. एग्जामिनर रिपोर्ट में देखेंगे वो प्रेसी जो ओरिजिनल वर्ड्स हैं वो 400 है, जो प्रेसी बनाई होती है 100 वर्ड्स की, 200 वर्ड्स की या 600 वर्ड्स की. मतलब बच्चों को ये भी नहीं पता कि इसका 1/3 किस तरह करना. सो 1/3 आप बनाएंगे उसमें फर्क कितना होगा? सिर्फ 5 या बड़ी हद 6, 5 अल्फाज, दैट इज ओके. 1/3 से जितना दूर जाते जाएंगे उतनी गारंटी मेरी कम है कि आप लोग पास कर. खुद सोचेंगे अगर आपने 20-25 वर्ड्स का डिफरेंस किया हुआ है तो उसके पास एक सॉलिड रीजन है आपको फेल करने की, और अगर आपको फेल करना चाहे तो आपको फेल किया जा सकता है. सो जब आप एक रूल पे गेम को प्ले करते हैं, जो कि मैं ऐसे भी बार बार आपको कहता हूँ, आपकी श्योरिटी मैक्सिमम हो जाती है चीज को पास करने की. और रूल क्या है? 1/3. रूल क्या है? इनडायरेक्ट. रूल क्या है? टाइटल देना. रूल क्या है? पास्ट का इस्तेमाल करना है. लेकिन हर प्रेसी पास्ट में नहीं होती. कुछ बच्चों ने सीखा होता है वो पुन देते हैं पास्ट के अंदर, सारी प्रेसी खराब करके आ जाते हैं. ये सारे रूल्स हैं जो आप लोगों ने जो है वो सही तौर पे लेके जाना है. दिस पॉइंट इज क्लियर. 5 रूल्स मैंने आपको बताए हैं. एक तो टाइटल लाजमी देना है, उसकी चीजें मैंने कुछ आपको बताई हैं. दूसरी चीज मैंने आपको पर्सन बताई है, किसके अंदर होगी? थर्ड पर्सन. टेंस कौन सा होगा? ज्यादातर पास्ट. अगर फैक्ट होगा तो प्रेजेंट. नॉट ऑल द प्रेसीज. फॉर्म ऑफ द स्पीच कौन सी होगी? इनडायरेक्ट. लेंथ इन 1/3. दिमागों के अंदर इस तरह डालें कि जिस तरह अचार बनाया जाता है. क्योंकि जब आप प्रेसी करते हैं फिर भी वहां पे भी यही मिस्टेक नजर आती है, स्पाइट के बार बार बताने के बावजूद कि ये चीजें आपने खराब नहीं करी. ठीक हो गया. 2 चीजें हैं आखिर में देखिए जो मैंने रेड में लिखी हुई है. थिंग्स स्ट्रिक्टली नॉट टू डू, यानी कि आपने ये चीजें बिल्कुल हरगिज नहीं करनी. दीज आर ड्राइव फ्रॉम द एग्जामिनर रिपोर्ट. डू नॉट गिव योर पर्सनल कमेंट्स एंड व्यूज ऑन द प्रेसीज. ये बहुत गंदी आदत होती है कुछ स्टूडेंट्स की, और एग्जामिनर हर एग्जामिनर रिपोर्ट में वो ये बात करता है कि आपका काम अपने व्यूज का इजहार करना हरगिज नहीं है. आपका काम सिर्फ इतना है कि पैराग्राफ को रीड करें, अंडरस्टैंड करें, अपने अल्फाज में सिंपल करके लिखें, 1/3 बनाएं, टाइटल दें और घर जाएं. उसके अंदर वो अगर पाकिस्तान बैशिंग कर रहा है करता रहे, उसके अंदर अगर आपको कोई सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है होता रहे, उसके अगर आपको किसी फिलोसफी से डिसएग्री करते हैं, वो वुमेन पे बात कर रहा है, वो इस्लाम पे बात कर रहा है, वो पाकिस्तान पे बात कर रहा है, वो इंडिया पे बात कर रहा है, वो यूएन पे बात कर रहा है, ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहा है, किसी फिलोसफी पे बात कर रहा है, आप डिसएग्री करते हैं करते रहे, एग्री करते हैं करते रहे, उसके ऊपर आपने कुछ और पढ़ा हुआ है जो कुछ और कहता है, आपकी प्रीवियस रीडिंग, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग या आपके अपने नॉलेज को, डोंट गेट योर प्रेसी अफेक्टेड बाय दीज थिंग्स. कि जब मैं आज जो पैराग्राफ करा रहा हूँ, जब मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था पहले, तो यह फासिज्म के बारे में जो इस पैराग्राफ में नहीं था, 4-5 स्टूडेंट्स ने वो भी लिखा हुआ था क्योंकि दे हैड रेड अबाउट द फासिज्म. सो नेवर लेट योर प्रीवियस नॉलेज अफेक्ट योर प्रेसीज. जो पैराग्राफ के अंदर गिवन है सिर्फ वही आपने पकड़ना, अपनी तरफ से कोई चीज बात नहीं करनी. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू दिस कि बात करते करते अपना ओपिनियन दे देंगे बच्चे, जबकि कहीं वो बात नहीं होगी, या बात करते करते उसको अपना डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट शो कर जाएंगे. तो यू डोंट हैव टू डू दिस स्ट्रिक्टली. ये पॉइंट क्लियर हो गया. डू नॉट लीव द सेंटेंसेस एज सच फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट.
कि कई लोगों ने ओरिजिनल टेक्स्ट जो है उसी के सेंटेंसेस को उठा उठा के कॉपी पेस्ट करके वर्ड्स कट करके और वो उसका ही कंसाइज वर्जन नजर आ रहा होता है, ये चीज भी नहीं कर रहा। अपनी राइटिंग, सिर्फ अपनी राइटिंग, आइडिया उसका, राइटिंग आपकी। ग्रैब द आइडिया एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। आइडिया को पकड़ना है और इसको अपने अल्फाज के अंदर आपने लिखना है, आइडिया को कैच करके। ट्राई टू यूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। कोशिश करें कि ओरिजिनल पैराग्राफ के कम से कम अल्फाज लिखें। सावधान रहें, कई अल्फाज जो रिप्लेस नहीं हो सकते, लाइक टाइम, लाइक पंक्चुअलिटी, कई इस तरह के वर्ड्स होंगे, बट कई ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके सिनोनिम्स मौजूद होंगे, कई ऐसे चीजें होंगी, कई ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनको आप री राइट करके अपनी तरह से लिख सकते हैं, बट द मैसेज शुड रिमेन इंटैक्ट, द आइडिया ऑफ द पैराग्राफ शुड रिमेन इंटैक्ट। दिस पॉइंट इज क्लियर। अच्छा, एसेंशियल्स ऑफ द गुड प्रेसिस देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो है कंप्लीटनेस, कि पैराग्राफ शुड गिव अ सेंस ऑफ अ कंप्लीट पैराग्राफ, कि उसके अंदर कोई चीज, कोई अहम डिटेल्स मिसिंग ना हो। स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि जो चीज नहीं समझ आती उसको स्किप कर देते हैं या उसको गलत कर देते हैं। कंप्लीट होनी चाहिए, मे बी जो थॉट आपने छोड़ दी है, मे बी वो थॉट बहुत अहम हो, उसको आपने कोशिश करना है अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की, और कोशिश करें कि कोई अहम थॉट मिस ना हो, ताकि कंप्लीट वर्जन ऑफ राइटिंग हो। कंप्लीटनेस में क्या पॉइंट्स हैं? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज ऑफ ऑथर इन योर ओन ब्रीफ सिंपल लैंग्वेज। कैच दीज थ्री वर्ड्स, ओन ब्रीफ सिंपल लैंग्वेज। नो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द पॉइंट्स शुड बी ओमिटेड। अहम बातें, अहम फैक्ट्स जो उस पैराग्राफ की क्रक्स होते हैं, जो उस पैराग्राफ की जान होते हैं, जो उस पैराग्राफ जिनके बगैर वो पैराग्राफ मीनिंगलेस होता है, उन पॉइंट्स को ओमिट नहीं करना, आपने लाजमी कैरी करना। पुट असाइड ऑल द अनएसेंशियल डिटेल्स, सुपरफ्लस फ्रेजेस एंड एम्बिगुअस वर्बोसिटी। इन एवरी पैराग्राफ यू मे एनकाउंटर डिफरेंट फ्रेजेस, कि एक बात को एक्सपैंड किया हुआ चार चार पांच पांच सेंटेंसेस में, उनको आप घुमाते रहें, उसका मतलब एक निकले। ये होती है फ्रेजोलॉजी या वर्बोसिटी, कि आपने वर्बोसिटी क्रिएट की हुई है, जहां पे एक बात को एक सेंटेंस पे किया जा सकता था, उसी को आपने चार पांच सेंटेंसेस में एक्सपेंड किया हुआ। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, चार सेंटेंसेस में बात क्या की जा रही है, सुबह को वक्त। अब इसको आप जितने एक्सपेंड करते रहे करते रहे, गेटिंग दिस पॉइंट। सो आपने क्या करना है, जो भी अनएसेंशियल डिटेल्स हैं, जो गैर अहम बातें हैं, सबको साइड पर रख के वो जो एक्चुअल बात करना चाह रहा है, जो वो एक्चुअल बिहाइंड द कर्टन मीनिंग है, या ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस वाला जो मीनिंग है, कि वो इनमें बात ही करना चाह रहा है, वो बात निकालनी है, उस बात को ट्रेस करना है और उसको अपने अल्फाज में सिंपल करके लिखना। ये है आर्ट प्रेसी का। द रिजल्टिंग नैरेटिव शुड गिव द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, पूरा सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आपका होना चाहिए। दूसरी चीज है कॉम्पैक्टनेस। कॉम्पैक्टनेस का मतलब है जामे बात, कि जामे बात ये होती है कि आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, कि फोर फाइव लाइंस को आपने एक लाइन या दो लाइंस के अंदर एक्स लिख दिया। ये होती है कम्पैक्टनेस, कि आपकी जो है वो जामे अंदाज में बात करनी है। थर्ड इज क्लैरिटी। क्लैरिटी इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, बोथ इन एसे एज वेल एज द प्रेसीज। टू अचीव इट, अंडरस्टैंड द गिवन, अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द ओरिजिनल टेक्स्ट टू द कोर, all the ideas and the message need to be crystal clear. Write the precis in very simple, direct and very clear language. ke kuch logon ki precis is tarah se hoti hai ki original paragraph se zyada difficult bani hoti hai, kuch logon ki precis is tarah se hoti hai kyunki unko samajh nahi lagi hoti, wo zoom mani baatein karte rehte hain. kuch logon ki precis is tarah ki hoti hai ki wo dono versions of the thought de jate hain, ki agar wo bhi hoga wo bhi examiner dekh ke wo theek kar lega, agar wo wala hoga wo bhi theek kar lega. clarity nahi hoti कि जब आप चीज को क्लियर नहीं करते तो वो दो मैसेजेस देती है। नंबर वन, कि आपको कॉन्सेप्ट ही अंडरस्टैंड है, अगर आपने सही अंडरस्टैंड नहीं किया, इट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर पूर है। स्टेप नंबर टू, अगर आपने सही नहीं लिखा हुआ या क्लियर नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स यू डू नॉट हैव द एबिलिटी ऑफ गुड राइटिंग।
तो दोनों केसेस में आपकी प्रेसी फेल हो सकती है, क्योंकि प्रेसी गो इज बेसिकली राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग दोस दैट राइट अंडरस्टैंडिंग इन कंसाइज। इसको मैं डिफाइन करूँ कि पैराग्राफ को ठीक अंडरस्टैंड किया, उस राइट अंडरस्टैंडिंग को कंसाइज वे के अंदर बयान कर दिया। कोहेरेंस, कोहेरेंस इज ऑफ एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस। कोहेरेंस का मतलब है तरतीब, कि डिसजॉइंटेड आइडियाज ना हो, डिसजंबल्ड आइडियाज ना हो, ऐसा ना कि बस आइडिया आ रहे हैं, उन आइडियाज के अंदर रब्त होना चाहिए, उन आइडियाज के अंदर सीक्वेंस होना चाहिए, जिसका एक स्टोरी की तरह आपने बात करनी। यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ स्टोरी जिसका एक प्रॉपर स्टार्ट हो, प्रॉपर एंड हो, और तरतीब के अंदर चीजों को मूव करना चाहिए। कनेक्टिविटी ऑफ आइडियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोहेरेंस में सबसे पहली चीज क्या है? आइडियाज की कनेक्टिविटी। इट शुड बी लाइक अ कंप्लीट स्टोरी विद अ प्रॉपर स्टार्ट एंड प्रॉपर एंड। एक कंप्लीट स्टोरी की तरह आपने लिखनी है, चीजों को कनेक्ट करने का आर्ट आपने सीखना है, स्किल सीखनी है। Do not write in disjointed and jumbled collection of ideas. It should not only be the collection of ideas. It should be the collection of ideas. Those collections should be very simple. And those collection of ideas should be connected with a proper sequence and coherence. In a simple most way and in the right way. This point is clear? Point number five and the last point is logical and natural sequence. क्या आपने पैराग्राफ की जो सीक्वेंस है वो जो नेचुरल सीक्वेंस है वही मेंटेन रखनी है। यानी कि अगर ओरिजिनल पैराग्राफ में कोई थॉट ऊपर डिस्कस हो रही है, आपने वो थॉट पहले लिखनी है, मिडिल वाली थॉट को मिडिल में रखना, एंड वाली थॉट को एंड में लिखना। शुरू में वो प्रॉब्लम्स बता रहा है, बीच में वो इम्पैक्ट्स बता रहा है, आखिर में सोल्यूशंस बता रहा है। प्रेसी बनाते हुए कुछ बच्चे सोल्यूशंस को ऊपर लेके जाते हैं, इम्पैक्ट्स को आगे लेके देते हैं, और शुरू में जो एट्रीब्यूट्स बताए थे वो एंड में लेके आते हैं। सीक्वेंस आपने अपने लिए ले किया है, सीक्वेंस उसी ओरिजिनल पैराग्राफ की आप मेंटेन रखें, उसी सीक्वेंस को आप मेंटेन रखेंगे। दिस पॉइंट इज क्लियर कि प्रिजर्व एंड मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जिस तरतीब में, जिस सीक्वेंस के अंदर वो आइडियाज बता रहा है, उसी तरतीब एंड सीक्वेंस में यू विल टेल। डू नॉट चेंज द एक्चुअल और ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ द पैराग्राफ। This is one of the bad habits of some students, कि वो पैराग्राफ की सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर देंगे, अपनी सीक्वेंस बना लेंगे, ऐसी बनाते हुए, जबकि पैराग्राफ की सीक्वेंस वही मेंटेन रखेंगे। Do not bring upon your own sequence. The main theme should run through the sentences as the thread runs through the beads of the necklace. कि जिस तरह एक तस्बीह के दाने होते हैं और पूरा कोई नेकलेस हो या तस्बीह हो, वो उस सेंटर के गिर्द जुड़ा होता है। यानी कि आपकी जो सेंट्रल थॉट है, आपकी जो मेन आइडिया है प्रेसी का, वो हर सेंटेंस के अंदर इस तरह कनेक्टेड है कि वो एक गो में लग रहा हो कि सारी चीजें कनेक्टेड है। समझ लें इन चीजों की, ये सारी चीजें आपको आएंगी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अलावा और कोई तरीका नहीं। कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे चीजों की, ठीक है, ये इस तरह तो नहीं है मैथ 2+2 आपको समझा दिया जाए। Unfortunately, this is the game of practice. Practice आपको करनी पड़ेगी. So, practice maintain करते हुए ये rules आप लोग follow करेंगे. ये point clear हो रहा है? Why there is the need of the precis? मतलब प्रेसी को इतनी अहमियत क्यों हासिल है? प्रेसी को CSS के अंदर, PMS के अंदर या competitive exams के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, इसके ऊपर सख्त हाथ रखा जाता है, इसकी क्या रीजन आपको लगती है? आप वंस यू गेट एलोकेटेड, जब तक आप सिविल सर्वेंट होंगे, आप सारी जिंदगी प्रेसीज से डील करते रहेंगे। जिस भी डिपार्टमेंट में हैं या जिस भी ग्रुप में होंगे, ये काम तो आपको वहां पे करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अपॉइंटेड ए सेक्शन ऑफिसर, फाइल सेक्शन ऑफिसर की डेस्क से ओरिजिनेट करती है, इस तरह 18 ग्रेड में, फिर चीफ सेक्रेटरी तक, फिर आपका जो सीएम होता है वहां तक, और वहां से फिर नीचे फाइल ट्रेवल करती है। तो जो भी केस होता है, उस केस का जो प्लंदा होता है डिटेल में फाइल, उसके साथ एक समरी भी होती है, वो समरी बनाता है सेक्शन ऑफिसर, जो PMS के सेक्शन ऑफिसर होते हैं। सो डेली जो टाइम होता है, टाइम नहीं होता कि टू डील विद द प्लेथरा ऑफ फाइल्स,
कि पूरा फाइल 8 पेजेस की 10 पेजेस की रीड करें तो सारा दिन तो इसमें निकल जाएगा। तो जो सेक्रेटरीज होते हैं या आपकी हायरार्की के जो ऊपर के ऑफिसर्स होते हैं तो दे आर मोर रिलाइंग ऑन योर प्रेसीज, दे गिव अ लुक टू योर प्रेसीज, दे गिव द लुक टू द शॉर्ट वर्जन, जो आपने उस पूरी रिपोर्ट का एक शॉर्ट वर्जन दिया होता है उससे उनको आइडिया हो जाता है, फिर रिपोर्ट पर नजर डालते हैं और इस तरह चीजें मूव हो रही होती हैं टू इंक्रीज द पेस ऑफ द वर्क, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वर्क। और ये चीज आपकी सिर्फ डेस्क फील्ड में नहीं, ये आपकी तमाम जो फील्ड जॉब्स हैं उसके अंदर भी है। पीएसवी ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल कहीं पे मसला होता है, कहीं पे जैनम मर्डर केस है, कुछ तरह का हुआ है और आपकी स्पीड ऑफ ऑफिसर्स ने आपसे एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है, आप सारा मामला इन्वेस्टिगेट करेंगे, सारा तहकीकात करेंगे, 10-15 दिन में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, डिटेल्ड वर्जन ऑफ रिपोर्ट, सारे फैक्टर्स उसके अंदर होंगे और उस डिटेल्ड वर्जन रिपोर्ट के साथ उसकी एक समरी भी होगी, एक कंसाइज वर्जन भी होगा कि जिसमें वो सारी रिपोर्ट कंसाइज करके बयान करेंगे। और ये बहुत अहम होता है क्योंकि ज्यादातर ऑफिसर्स उस चीज पे रिलाय करते हैं ड्यू टू टाइम फैक्टर की वजह से। सो इसीलिए दे आर लुकिंग फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव बाय डिफॉल्ट दिस इनहेरेंट एबिलिटी टू मेक द गुड प्रेसेस, दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आर्ट आपका एंड तक चलता रहेगा। अच्छा ये बात है, हम क्लियर होगी, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 5 मिनट्स की ब्रेक है, ठीक है 5 मिनट्स में आ जाएं, बस 5 मिनट में नमाज पढ़ें, 3 फर्ज पढ़ें, ठीक है, और आ जाएं। ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए, ये बेसिक रूल्स हैं जो आपने हर वक्त जहन में रखने हैं वाइल फॉर्मुलेटिंग द प्रेसीज, ठीक है। अब हम एक इंशाल्लाह भी ब्रेक के बाद एक पैराग्राफ रीड करेंगे और प्रॉपरली इन रूल्स को अप्लाई करके आज हम एक प्रॉपरली प्रेसी फॉर्मुलेट करें। सो जब हम वो प्रेसी फॉर्मुलेट करें, आपने इस पूरे लाइन ऑफ थिंकिंग को, इस पूरे माइंड को कैच करने की कोशिश करनी कि प्रेसी को हमें डील कैसे करनी, ठीक हो गया। ये इतनी मुश्किल चीज नहीं है कि जितनी अनफॉर्चुनेटली बनाई हुई है, सिर्फ इसके अंदर कॉन्शियस एफर्ट एंड प्रैक्टिस रिक्वायर्ड। 5 to 6 प्रेसीज आप करेंगे, आपके अंदर चीजें सेंस क्लियर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो क्या टाइटल मैक्सिमम कितने वर्ड्स का होना चाहिए बेटा? टाइटल एक फ्रेज की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, लाइक द इम्पैक्ट ऑफ नेशनलिज्म, लाइक द थ्योरी ऑफ फासिज्म, या आपका अ ट्रिप टू चेरोकी, ठीक है, एक फ्रेज की फॉर्म में। अब उसके कोई वर्ड्स मुख्तस नहीं किए जा सकते कि भाई ये मैं बार लगा दूं कि बस 5 वर्ड से ऊपर नहीं जाना, एक फ्रेज बनाना है आपको, एक मीनिंगफुल सा क्रिस्पी सा एक फ्रेज बनाना है।
कई प्रेसेस ऐसी होती है जिनके मैसेजेस बहुत ज्यादा हो, थोड़ा सा लेंथी टाइटल बन जाएगा, लेकिन फिर भी जो है वो फ्रेज की फॉर्म में आपने रखा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो 2017 की BMS की, 2019 की प्रेसी है CSS की, उसका टाइटल ये बनता है एमिकेबल एटीट्यूड विद चिल्ड्रन। अब एमिकेबल एटीट्यूड विद चिल्ड्रन 5 अल्फाज, उसके कंट्री आज जो हम प्रेसी बनाएंगे इसका टाइटल होगा थ्योरी ऑफ फासिज्म, इसके तीन चार अल्फाज। सो बाय डिफॉल्ट हम एक फ्रेज बनाएंगे मोस्ट पॉट को कैच कर रहा। थोड़े 7:15 या 7:20 पे क्लास को दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेन वाइज जो अभी आपको रूल्स बताए ना, इनको आप रिवाइज करें अच्छी खास, इनको अगर सॉल्व करेंगे।
Thank you.
अच्छा जी, दीज रूल्स आर क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये वाला जो आपके पास पेज है ना, दिस पेज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी, आपको भी पहुंच चुका होगा, पैराग्राफ जो है, कंप्लीट पैराग्राफ जिसके ऊपर एक्सरसाइज नंबर 7 लिखा होगा, इस पैराग्राफ को काइंडली जरा ओपन करें। एवरीवन हैज दिस पेज? अच्छा, ये जो पैराग्राफ है, दिस पैराग्राफ आई हैव टेकन फ्रॉम द डिहन बुक। इस पैराग्राफ को आज हम करेंगे सॉल्व। ठीक हो गया? ये पैराग्राफ रिलेटिवली इजी पैराग्राफ है, बट इससे यूजली डिफिकल्ट पैराग्राफ्स आते हैं। सो वी विल मूव फ्रॉम द इजियर टू डिफिकल्ट पैराग्राफ्स। जो आपका प्रेसी का पेपर होता है, ये पेपर नंबर आपका 2 होता है, एज यू ऑल नो दैट। इस पेपर से पहले आप ऐसे का पेपर कर चुके होते हैं, और इस पेपर में माइंड को कंपोज रखना ज्यादा इसलिए अहम है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब है, आपने प्रेसी बनानी है, कॉम्प्रिहेंशन लिखनी है, ट्रांसलेशन करनी है, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, वोकैब, पंक्चुएशन आ सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, करेक्शन हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक हो गया? चले, वो एक बार ऐसा प्रेसिडेंस हुई है, लेकिन इस तरह की अब है नहीं, एक बार ऐसा हुआ है, बट ये इसी तरह से ही है। एससी का पेपर जो है वो पहले और प्रेसी का सेकंड में। ठीक हो गया? अगर पहले भी प्रेसी का हो जाए दैट इज ओके, कोई मसला नहीं है। प्रेसी के पेपर में जब आप बैठे, जो सबसे पहले आपने जो काम करना है वो प्रेसी का पेपर, प्रेसी सॉल्व करनी है। ठीक हो गया? प्रेसी अगर आप आखिर में भी सॉल्व करते हैं तो यूजली मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेसी पहले चेक की जाती है, प्रेसी को पहले इवेल्यूएट किया जाता है। सो आपने प्रेसी को सबसे पहले नंबर पे सॉल्व करना है, क्योंकि प्रेसी वो चीज़ है कि जिसको आप आखिर में नहीं सॉल्व कर सकते। आखिर में बहुत ज़्यादा प्रेशर गेम बनी होती है, आखिर में बहुत ज़्यादा चीज़ें फास्टली मूव कर रही होती हैं। एट द लास्ट आर आप पेयर ऑफ वर्ड्स कर सकते हैं, आप इडियम्स कर सकते हैं, आप पंक्चुएशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जो कि फ्लो में होने वाली चीज़ें हैं, कि आपको इडियम्स आते हैं, करें नहीं आते, ठीक है, पेयर ऑफ वर्ड्स, जो कि जो ये सारी इस तरह के छोटे मोटे आइटम्स होते हैं, बट इसके लिए आपको एक कूल काम और एक कंपोज्ड माइंडसेट रिक्वायर्ड है। और आखिर में यूजली कंपोजर बनने का लॉस हो जाता है क्योंकि टाइम के फैक्टर की वजह से। ठीक हो गया? सो इसको आप तब करें जब आपके पास टाइम का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो और आपके पास पूरे 3 घंटे आगे मौजूद हों। और पहली बात, दूसरी बात यह कि जब आप प्रेसी से स्टार्ट करते हैं तो आपका माइंड फ्रेश होता है। जब आप पहले सारे आइटम्स कर चुके होते हैं, आपका माइंड थक चुका होता है और प्रेसी फिर बोझ लग रही होती है। और वो अगर टफ प्रेसी आ जाए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड, या जिसको हम कहते हैं कि गले पड़ जाने वाले कुछ प्रेसीज होती हैं, तो वो फिर आपको बहुत टफ टाइम दे सकती है। फिर अमूमन स्टूडेंट्स वहाँ पर थॉट्स ओमिट कर रहे होते हैं, बस ठीक है जान चुके हैं, उस केस में आपके प्रेसी की फेलियर के चांसेस इंक्रीज होते हैं। देखिए, यूजली सुना तो यही है, चैप्टर से भी यही सुना है, ज्यादातर जो सुनाई बातें हैं, अगर आपकी प्रेसी फेल होती है, कॉम्प्रिहेंशन फेल होती है, तो आपका पेपर फेल कंसीडर होता है। मतलब ये दो पेपर्स, ये दो क्वेश्चंस बहुत अहम है आपके पेपर को पास करने के लिए। ठीक है? मोस्ट ऑफ द पीपल, सम ऑफ द चेकर्स इवन से दिस, कि वी आर इंस्ट्रक्टेड दैट इफ द प्रेसी इज फेल्ड यू शुड फेल होल ऑफ द पेपर। और इसलिए ज्यादातर जो एग्जामिनर्स हैं वो प्रेसी को पहले चेक करते हैं। अगर प्रेसी फेल है, बस ठीक है, आगे खपने की जरूरत ही नहीं, पेपर साइड पर फेंको, दूसरा पेपर उठा। तो ये भी एक रीजन है प्रेसी को पहले चेक करने की। जो सुनी हुई बातें हैं, इन ऑल केस प्रेसी को आपने पहले ही सॉल्व कर लिया। ठीक हो गया? जब आपके सामने पैराग्राफ आ जाता है, स्टेप नंबर 1 आप लिखे, आपने क्या करना है, इसको आपने एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रीड करना है। स्टेप नंबर 1 लिख लें इन स्टेप्स को,
कि जब भी आपके सामने पैराग्राफ हो आपने उस पैराग्राफ को कम अज कम 2-3 टाइम्स रीड करना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। सपोज आपने 2-3 टाइम्स रीड किया पैराग्राफ, उसमें से आपको जब आप रीड करेंगे आपको मे बी कुछ ना समझ आए या मे बी आपको कुछ थोड़ी बहुत समझ आए, ये डिपेंड करेगा फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी रीडिंग पावर बड़ी अच्छी होती है, जो हैबिचुअल रीडर्स होते हैं, जो बुक रीडिंग करते रहते हैं, जो नॉवल रीडिंग करते रहते हैं, उनकी सेंस ऑफ परसेप्शन और पैराग्राफ को पिक करने की पिक पावर तेज होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी वो स्टूडेंट जिसकी रीडिंग इतनी अच्छी नहीं है या जिसका एक्सपोजर टू द इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, लिमिटेड एक्सपोजर है, उसकी पिक पावर कॉम्प्रिहेंशन पावर पैराग्राफ की इतनी अच्छी नहीं है, मे बी उसको ज्यादा बार रीड करनी पड़े। सो लेट्स सपोज अगर आपने 2 बार रीड किया, हम एक मिनिमम केस को डिस्कस करते हैं, एक आखिरी केस को डिस्कस करते हैं कि अगर आपको 2 बार रीड करने के बाद पैराग्राफ की अगर सिर्फ 5% भी अंडरस्टैंडिंग हुई है तब भी आपकी वो अंडरस्टैंडिंग ठीक है, तब भी आपने परेशान नहीं। अगर ये पैराग्राफ रीड करने के बाद आपको सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि दिस पैराग्राफ इज अबाउट फासिज्म, बस ये भी काफी है। यहां पे अमूमन एक एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाता है, पैराग्राफ रीड किया समझ नहीं लगी, परेशान हो जाते हैं स्टूडेंट्स कि बस ये पैराग्राफ नहीं। पहले पैराग्राफ पहली बार जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रीड करेंगे बहुत कम चांसेस हैं कि आपको समझ, उस कंडीशन में आपने परेशान नहीं होना। अब एक सेकंड सुन लेना, सारी बातें आपकी एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको 5% भी समझ लग गया दैट इज ओके। स्टेप नंबर 2, आपने रीड किया। ट्रेसी करने के 2 तरीके होते हैं, दोनों में आपको बताता हूं। अगर इसका आर्ट हम देखें, सपोज कर लें कि आपने एक सेंटेंस रीड किया, एट दिस पॉइंट दूसरा सेंटेंस रीड किया, तीसरा सेंटेंस रीड किया, फोर्थ सेंटेंस रीड किया। इन 4 सेंटेंसेस के अंदर एक आइडिया डिस्कस हो रहा है। सपोज कर लें पहले 5 सेंटेंसेस के अंदर, सपोज कर लें पहले 3 सेंटेंसेस के अंदर। इन दिस केस सपोज कर लें कि पहले 4 सेंटेंसेस आपने रीड किए, इनके अंदर एक आइडिया डिस्कस हो रहा है। आप सेंटेंस नंबर 5 पे मूव करते हैं, यहां से बात आपको चेंज होती नजर आ रही है। यू फील कि ये एक यूनिट ऑफ थॉट है, इसके अंदर एक ही आइडिया है। दैट कैन बी इन 4 लाइंस, दैट कैन बी इन 5 लाइंस, यूजली सेट्स के अंदर होती है इंफॉर्मेशन। एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे आज हम करेंगे। आपने आपको जहां से फील हो के बात चेंज हो रही है वहां पे आपने रुक जाना और इन 4 लाइंस को रीड करके अंडरस्टैंड कर। अंडरस्टैंड क्या करना है कि इन 4 लाइंस के अंदर क्या बात की जा रही है। इन 4 लाइंस के अंदर जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी वर्बोसिटी है, जो भी चीज है, उनके जरिए बेसिकली बात क्या की जा रही है, या इन 4 लाइंस का सेंट्रल मैसेज क्या है, या इन 4 लाइंस का मेन थीम क्या है। इन 4 लाइंस के अंदर एक बात कौन सी की जा रही है जिस पर पहले आपको एग्जाम्पल से मैंने बताया, ठीक हो गया। वो जो मेन मैसेज हो आपका, वो जो सेंट्रल थीम, जो क्रक्स हो इन 4 लाइंस का, उस क्रक्स को अपने अल्फाज के अंदर सिंपल तरीन लैंग्वेज में आपने लिख दिया। दैट इज द प्रोसेस, गेटिंग दिस पॉइंट। इसी तरह आपने 5th सेंटेंस पढ़ा, 6 पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा। सपोज कर लेंगे 10th सेंटेंस है, यू फील दैट इतनी थॉट आप कैरी नहीं कर सकते या इतनी चीज को आप इकट्ठे लेके नहीं चल सकते, या आपको लगता है कि यहां तक ठीक है, यहां तक मुझे सही समझ लग रही है, या आपको फील होता है कि यहां से बात चेंज हो,
यहां से कोई बात टर्न ले रही, बात का रुख चेंज हो रहा है, नेक्स्ट फाइव लाइंस तक रुक, उन फाइव लाइंस को दोबारा रीड करें और उनका सेंट्रल मैसेज ट्रेस करें कि इन चार पांच लाइंस के अंदर घुमा फिरा के वर्बोसिटी के जरिए बेसिक बात क्या की जा रही है, उस बात को कैच करके अपने अल्फाज में लिखने का आर्ट प्रेसी है। ये प्रेसी की बैकबोन है, एग्जैक्टली प्रेसी ये चीज, बिल्कुल जिसको अगर मैं कहें कि आपको बैकबोन ऑफ द प्रेसी बताऊं, ये चीज है। इसी तरह आपने पूरी प्रेसी में से मूव करते जाना, यानी कि आपने प्रेसी को करना है पार्ट्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर, 4-4, 5-5 सेंटेंसेस के पार्ट्स, वो पार्ट्स आपने बनाने हैं अपनी कन्वीनियंस के बेस और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस, और उन पार्ट्स का सेंट्रल मैसेज बिल्कुल जो बेसिक तरीन मैसेज हो उसको इतना सिंप्लीफाई करके लिखें कि वो मजीद सिंप्लीफाई ना हो सके, लेकिन मैसेज इंटैक्ट रहे, इन चार पांच लाइंस का कॉन्सेप्ट इंटैक्ट रहना हो, इंटैक्ट होना चाहिए, और इतना सिंपल लिखें कि उसको मजीद सिंप्लीफाई ना किया जा सके। ये है प्रेसी का। सो जब आप ये तरीका जो मैंने अपनाया था और इसमें मेरी सारी प्रेसीज पास हुई विद एक्सलेंट मार्क्स, क्योंकि जब आप पार्ट बाय पार्ट मूव करते हैं, बेनिफिट नंबर वन, प्रेसी करना आसान हो जाता है। एक पूरे पैराग्राफ की प्रेसी बनाना डिफिकल्ट टास्क है, पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी टास्क है, मिनटों में आपकी प्रेसी हो जाए। स्टेप नंबर टू मेन इसका अपना बेनिफिट नंबर टू, आप इस तरह कोई अहम थॉट मिस नहीं करते, कोई एक अहम आइडिया आप मिस नहीं करते। स्टेप नंबर थ्री, आप ओवरऑल पैराग्राफ के अंदर इजी रहते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं। आखिर में आपने इन तमाम पार्ट्स को मिला के एक पैराग्राफ बना रहे, स्टोरी टाइम जो सिंपल लिखे, जो सिंपल लिखते जा रहे हैं उन तमाम पार्ट्स को मिला के एक पैराग्राफ की शक्ल में बना देना है और उसका एक सूटेबल टाइटल आपने सिलेक्ट कर लेना। सूटेबल टाइटल जब आपने इन तमाम पार्ट्स को लिख के पैराग्राफ बना लेना है कंप्लीट, उसको एक बार रीड करें और वो जो टाइटल आपके जहन में आया दैट विल बी द परफेक्ट टाइटल। बेटा अभी मैंने क्या बात की है, अब आखिरी पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, सुन रही है बातें जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। पैराग्राफ रीड करते हैं अभी सारे मिलके, टाइम पैराग्राफ का मिलेगा आपको रीड करने का, पैराग्राफ ना रीड करें अभी, सिर्फ वो चीज अंडरस्टैंड करें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, दिस पॉइंट इज क्लियर। तरीका नंबर टू क्या होता है, जिसको मैं सही नहीं मानता हूँ बट बहुत सारे लोग वो भी करते हैं। तरीका नंबर टू ये है कि आपने 3-4 बार पैराग्राफ रीड किया, इसको रख दिया, अब आपके जहन में इसके बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको अपने अल्फाज में सिंपल करके लिख दिया। ये भी एक तरीकाकार होता है प्रेसी का, लेकिन ये डेंजरस मेथड है। रीजन हो सकता है कि आप कुछ फैक्ट्स डिस्टॉर्ट कर सकें। रीजन नंबर टू हो सकता है कि आप कुछ चीजें अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं, और रीजन नंबर थ्री पूरी थॉट को कैरी करना इस तरह से बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप पार्ट्स में मूव करते हैं तो आपके लिए चीज निहायत आसान हो जाती है। अब जो आपको आपके व्हाट्सएप पे आई हुई चीजें उसमें देखिए, एक कंप्लीट पैराग्राफ ओपन करें जरा, एक ये कंप्लीट पैराग्राफ होगा, उसके बाद देखें एक स्टेप बाय स्टेप होगा, एक स्टेप बाय स्टेप होगा जिसमें इस प्रेसी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके उस हर एक स्टेप की प्रेसी बनी हुई है, और आखिर में कंप्लीट पैराग्राफ होगा। गेटिंग दिस पॉइंट, इस पैटर्न के तहत आप मिल जाए, और ये सारा काम आपने रफ पेजेस पे करना, नीट पेज पे, फ्रंट पेज पे यू विल राइट वन कंप्लीट पैराग्राफ, और इसके जो आखिरी पेज है उसके अंदर कंप्लीट पैसे बन गए जो कि आपको मिले भी होंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब हमने क्या करना है, इस पैराग्राफ को हम करेंगे रीड,
ठीक है, टू टाइम्स। उसके बाद हम इस पैराग्राफ को करेंगे पार्ट्स के अंदर डिवाइड, और उस पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके प्रेसी कैसे बनानी है उस चीज को हम सीखेंगे। अब एग्जैक्टली जो प्रैक्टिस मैं अभी करने जा रहा हूँ ना, एग्जैक्टली यही प्रैक्टिस आपने पेपर में करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। फासिज्म, इन द वर्ड्स ऑफ मुसोलिनी, बिलीव्स that war alone brings up to its highest tension all human energy and puts the stamp of nobility upon the people who have the courage to meet it. Again, a doctrine which is formulated on the harmful postulate of peace is hostile to fascism. The fascist then is the one who believes that bombardment of open towns with fire, poison and explosives, in other words modern war, is intrinsically good. He is the one who rejects the teachings of the prophets and believes that the best society is a national society living in a state of chronic hostility towards other national societies and preoccupied with the ideas of slaughter. He is the one who despises non-attached individual and holds up for the admiration the person who, in obedience to the boss, who happens at the moment to have grabbed a political power, systematically cultivates all the passion, pride, danger, envy, hatred, which the philosophers and the founders of the religions have unanimously condemned as the least worthy of the human beings. All fascist planning, therefore, has but one aim: to make the national society more efficient as a war machine. Industry, commerce and finance are all controlled for this purpose. एक बार हमने रीड किया, इसमें आप लोगों की, हर बच्चे की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जो कि नेचुरल है। कम अज कम आपको एक मिनिमम केस में अगर हम डिस्कस करें, एटलीस्ट आपको ये तो अंडरस्टैंड हो गया कि ये दिस इज टॉकिंग अबाउट फासिज्म, कि दिस पैराग्राफ is dealing about fascism. If this is the approach, if this is the level, that is also right. Don't worry about this. अगर इतना भी समय लग गया, यही बहुत है। अगर इतना भी समय लग गया, आप गेम के अंदर इन हैं। अब स्टेप नंबर टू पे पैराग्राफ को दोबारा रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। यही स्टेप आपने उधर भी करना है। एक बार कंप्लीट रीडिंग देके, दूसरी बार उसको रीड करते हुए साथ साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी। पहली बार एक बार कंप्लीट रीडिंग करनी। सो लेट्स रीड दिस अगेन। सेंटेंस को बार-बार पढ़ना, एक सेकंड बेटा, आपने एक बार रीड कर लिया ना, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा रीड करने लगा, जो दोबारा मैं करने लगा आपने वही करना जो भी मैं करना था। लेट्स डू दिस टुगेदर। फासिज्म इन द वर्ड्स ऑफ मुसोलिनी, के मुसोलिनी के मुताबिक जो फासिज्म है, बिलीव्स, इस बात भी यकीन करता है दैट वॉर अलोन ब्रिंग्स अप टू इट्स हाईएस्ट टेंशन ऑल द ह्यूमन एनर्जी, के वॉर वो वाहिद चीज है जो इंसान की तमाम एनर्जी को, तमाम पोटेंशियल को बाहर निकालती है। कहने का क्या मतलब हुआ, फासिज्म के मुताबिक वॉर एक अच्छी चीज है। फासिज्म के मुताबिक वॉर एक वो वाहिद चीज है जो इंसान की तमाम एबिलिटीज को बाहर लेके आती है। अंडरस्टैंड करना है आपको, ठीक है। अब ये फासिज्म जिन्होंने पढ़ी हुई इसको, उनको ये पैराग्राफ अंडरस्टैंड करने में जरा आसानी होगी। फासिज्म किसकी थ्योरी थी, मुसोलिनी की, जिससे हिटलर बहुत इंस्पायर्ड था, और हिटलर ने इसकी बेस पे थ्योरी दी थी
नाजिज्म, फासिज्म और नाजिज्म दोनों एक स्कूल ऑफ थॉट की ऑफ शूट्स हैं। दोनों यस सर, यस बॉस, बस यस मैन स्पिरिट, कि डिक्टेटर आपका जो होता है उसकी लॉयल्टी रीजन तो है नहीं। उसने कहा इसको शूट कर दो, शूट कर दो, दैट इज इट। उसने कहा ये कर दो, दैट इज इट। ये करेक्टरिस्टिक्स फासिज्म जी, वही चीज। ठीक हो गया। अच्छा आगे मूव करते हैं, दोबारा मैं रीड कर रहा हूँ। फासिज्म इन द वर्ड्स ऑफ मिसोलिनी, कि मिसोलिनी के मुताबिक जो फासिज्म है, बिलीव्स, वो इस बात पे यकीन करता है दैट वॉर अलोन ब्रिंग्स अप टू इट्स हाईएस्ट टेंशन ऑन द ह्यूमैनिटी, कि वार ही वो वाहिद चीज है जो इंसान की तमाम एनर्जी को बाहर निकालता है। मतलब फासिज्म वॉर को लाइक करता है, वॉर को सपोर्ट करता है। फासिज्म ये समझता है कि वार वो वाहिद चीज है जो इंसान का बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालती है, एंड पुट्स द स्टैम्प ऑफ नोबिलिटी, और शराफत की छाप लगाती है अपॉन द पीपल, उन लोगों पे हु हैव द करेज टू मीट इट, जिनके पास करेज होती है वॉर को मीट करने की, वॉर करने की। यानी कि फासिज्म वॉर को सपोर्ट करती है। फासिज्म ये कहती है कि वार वाहिद चीज है जो इंसान का बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालती है, और उस पे नोबल पर्सन की स्टैंप लगाती है। सो अकॉर्डिंग टू फासिज्म वॉर इज द मेन थिंग विच ब्रिंग्स द बेस्ट ऑफ मैन एंड पोर्ट्रेज हिम एज अ नोबल पर्सन, और उसको नोबल पर्सन के तौर पे पोर्ट्रे करती है। ये बात इसके अंदर की जा रही है, फासिज्म की थी। अब इससे आप डिसएग्री करें, एग्री करें, इधर इस लाइन में नहीं जाना, इस रोड पे नहीं जाना, आपने सिर्फ इसकी प्रेसिंग में, ये पहली लाइन आपको क्लियर हो गई, इसी तरह आपने अंडरस्टैंड करना है पूरे पैराग्राफ को। अगेन अ डॉक्ट्राइन विच इज फॉर्मुलेटेड ऑन द हार्मफुल पोस्टुलेट ऑफ पीस इज होस्टाइल टू फासिज्म। अब यहां पर जो लफ्ज अगेन है, ये मीनिंगलेस लफ्ज है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज, इस तरह के वर्ड्स के लिए तैयार रहे हर प्रेसी के अंदर, इस तरह के उलझा देने वाले वर्ड्स, इस तरह के उलझा देने वाले फ्रेजेस आपको हर प्रेसी में मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे। आपने इन अल्फाज में नहीं खोना, आपने सेंट्रल मीनिंग कैच करके बाहर आ जाना, वर्बोसिटी में नहीं खोना। अब अगेन दोबारा, अब यहां पर दोबारा क्या मतलब, ये मीनिंगलेस चीज है। बात क्या हो रही है, आर डॉक्ट्राइन, एक ऐसा डॉक्ट्राइन विच इज फॉर्मुलेटेड, जो फॉर्मुलेट किया जाता है ऑन द हार्मफुल पोस्टुलेट ऑफ पीस, पीस के हार्मफुल मफरूजे के ऊपर। हार्मफुल पोस्टुलेट किसके नजरिए से बात की जा रही है, फासिज्म के नजरिए से, कि पीस हार्मफुल तो नहीं होता, लेकिन फासिज्म पीस को हार्मफुल समझता है, फासिज्म पीस के एंटी होता है। ये थॉट आपने कैच कर लिया, गेटिंग दिस पॉइंट, कि अ डॉक्ट्राइन विच इज फॉर्मुलेटेड ऑन द हार्मफुल फैसिलिटी ऑफ पीस, कि अगर आप पीस का कोई डॉक्ट्राइन बनाएंगे इज होस्टाइल टू फासिज्म, वो फासिज्म के लिए खतरनाक होगा। यानी कि अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूं, फासिज्म हेट्स पीस, सिंपल इज दैट, फासिज्म निगेट्स पीस, फासिज्म इज होस्टाइल टू पीस, फासिज्म इज एंटी टू पीस, ये बात इसके अंदर की जा रही है। अब बात सिर्फ यही है कि फासिज्म निगेट्स पीस, इतनी सी बात है जिसको उसने इतना फैला दिया। यही काम आपने करना है कि वर्ड्स में नहीं खो जाना, सेंट्रल मीनिंग कैच करना है, कि बात ये हो रही है कि फासिज्म पीस को डिसलाइक करता है, इसको, इस थॉट को अपने अल्फाज की शक्ल दे। Getting this point? दोबारा देखें, a doctrine which is formulated on the harmful postulate of peace, कि अगर कोई doctrine आप peace पे बेस करते हैं, that is hostile to fascism, वो fascism के hostile है, peace fascism के hostile, मतलब fascism peace को negate करता है, ये बात हो। So आपने trace back करना है उसका central meaning। Getting this point?
द फासिस्ट देन इज द वन, चुनाचे फासिस्ट एक ऐसा बंदा होता है हु बिलीव्स, जो इस बात पे यकीन करता है दैट के बम्बार्डमेंट ऑफ ओपन टाउन्स विद फायर, कि ओपन टाउन्स को फायर के जरिए बम्बार्डमेंट कर दें, पॉइजन जहर के जरिए, एक्सप्लोसिव धमाकों के जरिए, इन अदर वर्ड्स मॉडर्न वॉर इज इंट्रिंसिकली गुड. फासिज्म क्या कहता है कि वॉर और डिस्ट्रक्शन अच्छी चीज है. फासिज्म ये कहता है कि अगर आप ओपन टाउन्स को बम्बारी करें, मिसाइल डालें, वहां पे आग लगाएं, वहां पे वॉर करें, वहां पे डिस्ट्रक्शन करें, ये चीज गुड है. कहने का क्या मतलब हुआ, फासिज्म तबाही और बर्बादी को लाइक करता है. फासिज्म स्पोर्ट्स वॉर एंड डिस्ट्रक्शन. एक्चुअल बात ये की जा रही है, चाहे वो इस एक कॉन्सेप्ट को जितना भी एक्सपेंड कर रहा, चाहे वो उस एक कॉन्सेप्ट को जितनी भी वर्बोसिटी के जरिए उलझाने की कोशिश कर रहा, आपने इस उलझन से बचना और डीप डाइव करके सेंट्रल मीनिंग कैच करके बाहर निकलना है. ये बेसिक तीन आर्ट आपको बता रहा हूँ, हुनर. ये हुनर आपने सीखना जो आपकी प्रेसी में रिक्वायर. प्रेसी सिर्फ इसी चीज का नाम है और कुछ नहीं. गेटिंग दिस पॉइंट, दोबारा इसको रीड करते हैं. द फासिस्ट एज देन द वन, तो फासिस्ट एक ऐसा बंदा है हु बिलीव, जिस बात पे यकीन करता है दैट बम्बार्डमेंट ऑफ ओपन टाउन्स विद फायर, पॉइजन एंड एक्सप्लोसिव्स, इन अदर वर्ड्स मॉडर्न वॉर्स, वॉर इज इंट्रिंसिकली गुड. तबाही और बर्बादी का शैदाई होता है, तबाही और बर्बादी का शौकीन होता है, वॉर और डिस्ट्रक्शन को लाइक करता है. ही इज द वन, वो एक ऐसा शख्स होता है हु रिजेक्ट्स द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स की टीचिंग्स को निगेट करता है. प्रॉफिट्स कौन लोग होते हैं? पीसफुल लोग होते हैं. कॉन्टेक्चुअल मीनिंग निकालना है. आपने पूरे एक यूनिट ऑफ थॉट को लेके चलना है कि प्रॉफिट से मुराद पैगंबर. पैगंबर किस चीज की बात करेगा? पीस की बात करेगा, अमन की बात करेगा. पैगंबर तो कभी ये बात नहीं करेगा कि एक्सप्लोजन्स करो, धमाके करो और टेरिटरी को डिस्ट्रॉय करो. सो वो पीसफुल टीचिंग्स को भी निगेट करता है. ही इज द वन हु रिजेक्ट्स द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स की टीचिंग को निगेट करेगा, एंड बिलीव्स, और यकीन करता है दैट द बेस्ट सोसाइटी इज नेशनल सोसाइटी लिविंग इन अ स्टेट ऑफ क्रॉनिक हॉस्टिलिटी टूवर्ड्स अदर नेशनल सोसाइटीज एंड प्रीऑक्यूपाइड विद द आइडियाज ऑफ स्लॉटर. और वो इस बात पे यकीन करता है बेहतरीन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो नेशनल हो और दूसरी सोसाइटीज के साथ एक क्रॉनिक हॉस्टेलिटी में मुब्तला रहे, कि एक ऐसी सोसाइटी जो बाकी सोसाइटीज के साथ, एक ऐसी नेशन जो बाकी नेशंस के साथ क्रॉनिक हॉस्टेलिटी रखे, दुश्मनी रखे, वो सोसाइटी बेस्ट होती है. दोबारा इसको देखिए. He is the one who rejects the teachings of the prophets. Prophets की टीचिंग को निगेट करेगा और यकीन रखेगा किस बात पे? That the best society is national society. अल्ट्रा नेशनलिज्म पे बिलीव करेगा. नेशनल सोसाइटी लिविंग इन अ स्टेट ऑफ क्रॉनिक हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर सोसाइटीज. अगर मैं आपको ये कहूं कि एक ऐसी सोसाइटी जो बाकी सोसाइटीज के साथ हॉस्टाइल है, एक ऐसी सोसाइटी जो बाकी सोसाइटीज के साथ नफरत करती है, उस सोसाइटी को आप क्या कहेंगे? जिंगोइस्टिक सोसाइटी. कि वो नेशनलिस्टिक सोसाइटी जो अदर नेशंस के साथ दुश्मनी रखे, वो कहलाती है अल्ट्रा नेशनलिस्टिक या जिंगोइस्टिक सोसाइटी. एग्जाम्पल ये देखिए, फासिज्म हम कह रहे हैं, बार बार इंडिया की पॉलिसीज को फासिज्म का नाम क्यों दिया जाता है? हिंदुत्व कि एक सोसाइटी है, वो एक नेशन बाकी नेशंस के साथ स्टेट ऑफ क्रॉनिक हॉस्टिलिटी में, कि हिंदुइज्म हॉस्टिलिटी में है मुस्लिम्स के साथ, हिंदुइज्म हॉस्टिलिटी में है नॉन हिंदूज के साथ, यही फासिज्म. अगर मैं ये बिलीव करूं
कि मैं ही मुसलमान पाकिस्तान का मुसलमान हूँ और मैं अल्ट्रा नेशनलिस्टिक हो जाऊँ और मैं जहन में ये लेके आऊँ कि मैं दुश्मनियाँ पालूँ उस शख्स के साथ जो नॉन मुस्लिम है, उस शख्स के साथ अगर मैं स्टेट ऑफ क्रॉनिक हॉस्टिलिटी में मुब्तला रहूँ तो मुझे आप क्या कहेंगे, अल्ट्रा नेशनलिस्टिक। तो फासिज्म जिंगुइस्टिक और अल्ट्रा नेशनलिस्टिक सोसाइटी को लाइक करती कहने का ये मतलब। अब इस चीज को उसने बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया। गेटिंग दिस पॉइंट, दोबारा इसको देखिए जरा। द बेस्ट सोसाइटी इज द नेशनल सोसाइटी लिविंग इन द स्टेट ऑफ क्रॉनिक हॉस्टिलिटी। बेहतरीन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो क्रॉनिक हॉस्टिलिटी में, मुस्तकिल दुश्मनी में मुबतला रहे टुवर्ड्स अदर नेशनल सोसाइटीज, दूसरी सोसाइटीज के साथ। तो ये कौन सी सोसाइटी होगी? जिंगुइस्टिक सोसाइटी। तो इट मीन्स जो फासिज्म है वो अल्ट्रा नेशनलिज्म और जिंगुइज्म पे बिलीव करता है, अल्ट्रा नेशनलिस्टिक और जिंगुइस्टिक सोसाइटी पे बिलीव करता है। किसके? ये अभी सारे मैं लिख पाऊंगा, अभी आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी, पार्ट बाय पार्ट में सारी चीजें होंगी। एंड प्रीऑक्यूपाइड विद द आइडियाज ऑफ स्लॉटर, और वो ऑक्यूपाइड है स्लॉटर के आइडिया से, मार धाड़ कत्लो गारत इन आइडियाज से वो ऑक्यूपाइड होता है, जो कि एग्जैक्टली इस वक्त इंडिया में हो भी रहा है। इसलिए इंडिया को बासुगत फासिज्म से इक्वेट कर दिया गया। गेटिंग दिस पॉइंट, ही इज द वन, वो एक ऐसा शख्स होता है हु डिस्पाइजेस, जो नफरत करता है नॉन अटैच इंडिविजुअल। अब ये नॉन अटैच इंडिविजुअल क्या हो गया? इस तरह के वर्ड्स अमूमन आपको आएंगे, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहां पे बच्चों की सारी फ्लो ऑफ थॉट खराब हो जाती है। और दिस इज द मेन ट्रिक दैट इज प्लेड इन द प्रेसिस, सो यू हैव टू अवॉइड दिस ट्रिक। नॉन अटैच इंडिविजुअल का मतलब है नॉन लॉयल इंडिविजुअल। नॉन अटैच इंडिविजुअल एक मेटाफर के तौर पे इस्तेमाल होता है और प्रेसी के अंदर यूजली एनकाउंटर द वर्ड्स व्हिच विल बी यूज्ड एज मेटाफर्स। गेटिंग दिस पॉइंट, दोबारा देखें। ही इज द वन, वो एक ऐसा शख्स होता है हु डिस्पाइज़ेस, जो नफरत करता है द नॉन अटैच इंडिविजुअल, उस बंदे से नफरत करता है जो नॉन अटैच है, जो नॉन लॉयल है बॉस का। नॉन अटैच्ड इंडिविजुअल से मुराद ये है कि जो अपने बॉस का, अपने डिक्टेटर का वफादार नहीं है, जो बेवफा है, जो अपने डिक्टेटर को ओबे नहीं करता, जो नॉन अटैच रहता है विद डिक्टेटर। कहने का मतलब ये, सो ही इज द वन हू डिस्पाइसेस द नॉन अटैच्ड इंडिविजुअल, वो ऐसा शख्स होता है जो कि नॉन लॉयल बंदे को डिसलाइक करता है एंड प्रेजेस एंड होल्ड्स अप फॉर द एडमिरेशन द पर्सन, और उस बंदे की तारीफ करता है हु इन ओबीडियंस टू द बॉस, जो अपने बॉस का ओबीडियंट होता है। यानी कि फासिस्ट ऐसे बंदे को डिसलाइक करता है जो अपने बॉस का नॉन लॉयल हो, और ऐसे बंदे की तारीफ करता है जो अपने बॉस का ओबीडियंट हो। गेटिंग दिस पॉइंट, क्योंकि फासिज्म में नो सर एग्जिस्ट नहीं करता। फासिज्म की करेक्टरिस्टिक्स हैं कि फासिस्ट बंदा अपने बॉस का एक्सट्रीमली पेट्रियॉट होगा, एक्सट्रीमली, और एक्सट्रीमली ओबीडियंट होगा। और वो यही बातें बता रहा कि फासिस्ट नॉन लॉयल बंदे को डिसलाइक करेगा और उस बंदे की तारीफ करेगा जो अपने बॉस का ओबीडियंट है। Who happens at the moment to have grabbed political power systematically? वो बॉस जिसने उस गिवन टाइम एंड स्पेस में पॉलिटिकल पावर को सिस्टमैटिकली ग्रैब किया है, विच मीन्स अ डिक्टेटर, कि वो अपने डिक्टेटर का, अपने बॉस का ओबीडियंट और वफादार होता है। अब ये इस पूरी प्रेसी का ट्रिकी तरीन बात जो अभी हम जिसमें से गुजर रहे हैं कि इसमें उलझा देने वाली बातें आपने सिर्फ फ्लो ऑफ थॉट को मेंटेन रखते हुए मीनिंग कैच करना है। दोबारा देखें,
ही इज द वन हु डिस्पाइसेस नॉन अटैच्ड नेचर. वो एक ऐसा शख्स होता है जो कि नॉन लॉयल बंदे से नफरत करता है एंड होल्ड्स अप फॉर द एडमिरेशन, और उस बंदे की तारीफ करता है हु इज ओबीडियंट टू द बॉस, जो अपने बॉस का ओबीडियंट. कौन सा बॉस? हु हैपेंस एट द मोमेंट, जो उस गिवन मोमेंट में मौजूद हो, जो भी मौजूद हो, एंड हैज टू हैव ग्रैब्ड पॉलिटिकल पावर सिस्टमैटिकली, जिसने अपनी पूरी पॉलिटिकल पावर को सिस्टमैटिकली ग्रैब किया, मतलब वो अपने डिक्टेटर का. तो ऐसा शख्स जो पूरी पावर को सिस्टमैटिकली ग्रैब करके बैठा हो, उसको क्या कहा जाता है? डिक्टेटर. तो फासिज्म डिक्टेटरशिप को, यस बॉस स्पिरिट को और लॉयल्टी को प्रमोट करती है. ये इसके अंदर बातें की जा रही कि फासिज्म, जो फासिस्ट होगा नॉन लॉयल बंदे को डिसलाइक करेगा, ओबीडियंट बंदे को लाइक करेगा. थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है अभी हम आगे देखते हैं. कल्टीवेट्स ऑल द पैशन, उसके अंदर वो तमाम पैशन होता है. कौन सा? प्राइड, मगरूर होता है, डेंजर खतरनाक होता है, एनवे जेलसी होती है, हेटर्ड और नफरत होती है. उसके अंदर ये तमाम नेगेटिव पैशन्स होते हैं, वो ये तमाम नेगेटिव पैशन्स कल्टीवेट करता है. Which philosophers and the founders of the religions have unanimously condemned इन चीजों को, किनको? इन नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को. किन नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को? प्राइड, हिंगर, एंगर, एनवे, हेटर्ड को रिलीजियस फिलोसफर्स ने और जो है वो फाउंडर्स ने यूनैनिमसली तौर पे इकट्ठे होके कंडेम किया एज द लीस्ट वर्दी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, कि ये इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, कि ये करेक्टरिस्टिक्स किसी भी इंसान के अंदर नहीं होनी चाहिए, किसी भी इंसान के अंदर ये लीस्ट वर्दी. अब ये वाला पार्ट इस पेशी का सबसे ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि एक तो ये लेंथी है और इसके अंदर थॉट्स स्कैटर्ड हैं और इस बात को पकड़ना भी जरा मुश्किल है. आपने इन्हीं बैरियर्स को क्रॉस कर, इट विल फील लाइक अ स्लिपरी फिश दैट विल समटाइम कम इन योर हैंड्स एंड समटाइम्स इट विल स्लिप, बट आपने इसको कैच करना. इन्हीं ट्रिकी थॉट्स को डील करने का नाम पेशी. इसको एक बार दोबारा देखिए, जो चीज इसको बड़ा ट्रिकी कर रही है वो इसका एक लॉन्ग लेंथी सेंटेंस है, जो कि एक सेंटेंस में काफी ट्रिकी बातें बयान की हुई है. इनको आपने कैच करना. दोबारा इसको रीड कर रहा हूं. ही इज द वन हु डिस्पाइसेस द नॉन अटैच्ड इंडिविजुअल. थॉट नंबर वन, कि वो नॉन लॉयल को ना पसंद करेगा. एंड होल्ड्स अप फॉर द एडमिशन टू द बॉस, टू द पर्सन हु इज ओबीडियंस टू द बॉस, हु हैपेंस एट द मोमेंट टू हैव ग्रैब्ड पॉलिटिकल पावर सिस्टमैटिकली. थॉट नंबर टू, और अपने बॉस या डिक्टेटर का ओबीडियंट होगा. थॉट नंबर थ्री, कल्टीवेट्स ऑल द पैशन, प्राइड, डेंजर, एनवी, हैटर्ड, व्हिच फिलोसोफर्स एंड द फाउंडर्स ऑफ रिलीजियंस हैव यूनैनिमसली कंडेम्ड एज द लीस्ट वर्थी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. और उसके अंदर वो तमाम नेगेटिव खसूसियात होंगी जिनको पीसफुल लोग डिसलाइक करते. अब इस तमाम इन लाइन्स के अंदर तीन थॉट्स हैं जिनको आपने लाजमी कैरी करना है. बात को पकड़ना, फासिस्ट बंदा नॉन लॉयल बंदे को डिसलाइक करेगा. पॉइंट नंबर टू, ओबीडियंट बंदा जो बॉस का, डिक्टेटर का ओबीडियंट होगा, उसको लाइक करेगा. थॉट नंबर थ्री, उसके अंदर तमाम वो नेगेटिव एट्रीब्यूट होंगे जिनको पीसफुल लोग डिसलाइक करते. ये है आपने एक्चुअल बात तक पहुंचना है कि उसके अंदर बात क्या है. और इसके अंदर ये जो एग्जांपल्स हैं, प्राइड, एंगर, ये जो चार अल्फाज हैं, ये हैं एग्जांपल्स. एग्जांपल्स आपने करनी है ओमिट जब आप प्रेसी बनाएंगे. एग्जांपल्स ओमिट करेंगे और वो एग्जांपल्स जो चीज बताना चाह रहे हैं वो आप बताएंगे. मतलब इन चारों को आप एक वर्ड से कवर कर सकते हैं, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स. ये एग्जाम्पल्स हैं. इन एग्जाम्पल्स से कहने क्या मुराद लिया जा रहा है? क्या प्राइड अच्छा एट्रीब्यूट है?
ये चारों के चारों के लिए आप अगर एक लव्ज इस्तेमाल करें क्या करेंगे, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स या बैड हैबिट्स, ये आपने काम करना है। तो आपने क्या किया, एग्जांपल्स ओमिट कर दी, और एग्जांपल्स के जरिए जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो ये है नेगेटिव एट्रीब्यूट्स का, वही आप लिखेंगे। ये आठ समझ लग रहे हैं, गेटिंग दिस पॉइंट? आखिर मूव करते हैं ऑल द फैशिस्ट प्लानिंग। सो फैशिज्म की तमाम प्लानिंग हैज बट वन एम, का सिर्फ एक मकसद होता है, टू मेक द नेशनल सोसाइटी मोर एफिशिएंट एज वॉर मशीन, कि नेशनल सोसाइटी को वॉर मशीन में कन्वर्ट किया जाए, कि वॉरिंग नेशनल सोसाइटी बनाई जाए। कि फासिज्म का एक ही मकसद होता है कि आपकी जो नेशनल सोसाइटी है उसको वॉरिंग सोसाइटी में तब्दील किया जाए। कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड फाइनेंस आर ऑल कंट्रोल्ड फॉर दिस पर्पस। अब ये तीन एग्जांपल्स, इनको आप क्या कहेंगे, रिसोर्सेज ऑफ स्टेट। कहने का क्या मतलब है कि रिसोर्सेज ऑफ स्टेट, और वो स्टेट के तमाम रिसोर्सेज को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। किस मकसद के लिए? वॉर लविंग सोसाइटी बनाने। गेटिंग दिस पॉइंट? सो आखिरी जो बात उसमें ये हो रही है बात कि फासिज्म या फासिस्ट बंदा वॉर लविंग सोसाइटी बनाने के लिए स्टेट के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है, बात ये की जा रही है। गेटिंग दिस पॉइंट? ये थी इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो कि आपने अपने रीडिंग नंबर 2 और इफ रिक्वायर्ड रीडिंग नंबर 3 में करनी है, और आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर, हो सकता है तो अल्फाज की जो आप कैच करते जा रहे हैं वो लिखते भी हैं, यानी कि रीडिंग नंबर 2 या रीडिंग नंबर 3 में आपको कॉन्सेप्ट मैक्सिमम क्लियर हो जाना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? जब आपकी रीडिंग स्ट्रांग होगी, जब आप बार बार डिफिकल्ट और डिफरेंट प्रेसिस को पिक करेंगे, सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उससे आपकी पिक पावर, आपका फोबिया और आपकी पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपका रिस्पांस टाइम कम होगा फॉर द प्रेसिस। उसका बेस्ट तरीका ये है मैक्सिमम पास्ट पेपर्स की प्रेसिस को सॉल्व करें, ताकि आपको पैराग्राफ को पकड़ने का आर्ट अच्छी तरह से समझ में आ जाए। याद है चीजें क्लियर? स्टेप नंबर 4 पे आप चलते हैं। अब आपके पास ये जो पार्ट बाय पार्ट वाली प्रेसी है, इसको दिस पार्ट, ये जो स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप नंबर 4 में आपने ये काम कर, इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना। आप जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, अब ये सबके पास है, इसको अब रीड करते हैं, सुने जरा गौर से, है जी, सबके पास है ना, दोबारा मैं रीड कर रहा हूं, देखिएगा। फासिज्म इन द वर्ड्स ऑफ पिजोलिनी बिलीव्स दैट वॉर अलोन ब्रिंग्स अप टू इट्स हाईएस्ट टेंशन ऑल द ह्यूमन एनर्जी एंड पुट्स द स्टैंप ऑफ नोबिलिटी अपॉन द पीपल हु हैव द करेज टू मीट इट। जैसा कि मैंने पहले बताया, कितनी लाइन्स हैं ये? 1, 2, 3, 4 लाइन्स, चार लाइन्स आपने पढ़ी, उसके अंदर एक आइडिया डिस्कस हो रहा है, वहां पे रुक के उन चार लाइन्स का सेंट्रल मीनिंग अपने अल्फाज के अंदर सिंपल वे में लिख लेना। एग्जैक्टली यही प्रेस। अब इसको अगर दोबारा हम रीड करें कि फासिज्म इन द वर्ड्स ऑफ मिसलिनी, कि मिसलिनी जो फासिज्म है बिलीव्स, इस बात पे यकीन रखता है दैट वॉर अलोन ब्रिंग्स अप टू इट्स हाईएस्ट टेंशन ऑल द ह्यूमन एनर्जी, कि वॉर ही वो वाहिद चीज है जो इंसान की तमाम एनर्जी बाहर निकालती है। एंड पुट्स द स्टैंप ऑफ नोबिलिटी अपॉन द पीपल हु हैव द करेज टू मीट इट, और लोगों पे शराफत की छाप लगाती है। ये दो थॉट्स हैं, इन्हीं दो थॉट्स को कैच करके अगर अपने अल्फाज में लिखें, कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फासिज्म कॉमा ओनली वॉर ब्रिंग्स द बेस्ट ऑफ मैन। हाईएस्ट टेंशन वाले थॉट को हमने क्या नाम दिया? बेस्ट ऑफ मैन।
and puts portrays him as a noble person. अब देखें कि कुछ अल्फाज के अंदर इसकी पैसी की हुई है पूरे पहले चार लाइंस में. सो आइडिया क्या है इसके अंदर, जो भी वर्बोसिटी है उसको क्रॉस करते हुए जो मेन मीनिंग है वो पिक करके अपने अल्फाज में लिखना है. दिस इज द पैसेज. इन लाइंस के अंदर बेसिकली बात ये होगी, अकॉर्डिंग टू फासिज्म वॉर ब्रिंग्स द बेस्ट ऑफ एंड पोर्ट्रेज एन एज अ नोबल पर्सन. कि फासिज्म के मुताबिक वार वो चीज है जो कि इंसान की तमाम बेस्ट पोटेंशियल बाहर निकालती है और उसको शरीफ बंदे के तौर पे पोर्ट्रे करती है. गेटिंग दिस पॉइंट? सो यू योर टास्क इज टू गो फॉर द सेंट्रल मीनिंग. ये आपने अंदर सीखना है कि आपको बात तक पहुंचने का आर्ट. आगे मूव करते हैं. अगेन अ डॉक्ट्राइन व्हिच इज फॉर्मुलेटेड ऑन द हार्मफुल पोस्टुलेट ऑफ पीस इज होस्टाइल टू फासिज्म. मतलब वो डॉक्ट्राइन जो पीस पे बेस होगा फासिज्म उसको होस्टाइल करेगा, फासिज्म पीस को निगेट करेगा. सिंपल सी बात ये. द फासिस्ट देन इज द वन हु बिलीव्स. तो फासिस्ट एक ऐसा बंदा होता है हु बिलीव्स इन द बम्बार्डमेंट ऑफ ओपन टाउन्स विद फायर एक्सप्लोसिव्स एंड पॉइजन. इन अदर वर्ड्स मॉडर्न वॉर इज इंट्रिंसिकली गुड. तो फासिस्ट एक ऐसा बंदा है जो इस बात पे यकीन रखता है कि मार धाड़ वॉर डिस्ट्रक्शन तबाही बर्बादी अच्छी चीज. अब आपने चार पांच लाइंस रीड की, आपको लगा कि इसके अंदर दो या एक आइडिया डिस्कस हो रहा है. आपने यहां पर रुक के इस पूरे एक आइडिया को अपने अल्फाज में ट्रांसलेट. पहला आइडिया क्या है, अगर इसको अपने अल्फाज में लिखा जाए क्या होगा? इट निगेट्स पीस. बस वो जो पहली सारी उसने बात की हॉस्टाइल टू फासिज्म, सिर्फ तीन वर्ड्स के अंदर आपने लिख दिया इट निगेट्स पीस. इससे मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता. सो आपने आखिर तक जाना है कि जिससे मजीद सिंप्लीफाई ना किया जा सके. इट निगेट्स पीस एंड बिलीव्स इन वॉर एंड डिस्ट्रक्शन. और जो दूसरी थॉट है जिसमें वो कह रहा है कि बम्बार्ड कर दो ओपन टाउन्स को, तबाह कर दो बर्बाद कर दो, कहने का क्या मकसद हुआ? तबाही और बर्बादी पे यकीन बिलीव्स इन वॉर एंड डिस्ट्रक्शन. सो वॉर और डिस्ट्रक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करके आप उस पूरी थॉट को कंसाइज कर रहे हैं. सो ये आर्ट क्या है? ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस कि जो बात करने की कोशिश की जा रही है वो बात पकड़नी है. सिंपल इज दैट. लेट्स मूव अहेड. ही इज द वन हु रिजेक्ट्स द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट्स. पीसफुल लोगों की प्रॉफिट्स की टीचिंग्स को निगेट करेगा. एंड बिलीव्स और इस बात पे यकीन रखता है दैट द बेस्ट सोसाइटी इज द नेशनल सोसाइटी लिविंग इन अ स्टेट ऑफ क्रॉनिक हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर नेशनल सोसाइटीज. कि बेहतरीन सोसाइटी वो होगी जो बाकी सोसाइटीज के साथ हालत जंग में मुबतला रहे, दुश्मनी में मुबतला रहे एंड प्रीऑक्यूपाइड विद आइडियाज ऑफ स्लॉटर और वायलेंस, स्लॉटर पे यकीन रखे. अब इसको अगर आप अपने अल्फाज में करें तो इसमें मेन चीज क्या है कि फासिज्म रिलीजियस टीचिंग्स को डिसलाइक करता है, अपोज करता है, कहने का ये मतलब हो. और जिंगोइज्म वो जो सारी सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी जो कि वॉर लविंग सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी जो कि दूसरी सोसाइटी के साथ हालत जंग में उतला हो, वो कहलाएगी करेक्टरिस्टिक जिंगोइज्म. जिंगोइज्म और आइडियाज ऑफ स्लॉटर को कहां से कवर किया? वायलेंस के जरिए. Getting this point? So, पूरा आइडिया आपने कैच करके अगर अपने अल्फाज में लिखा जाए क्या होगा? It opposes the religious teachings and by believing in jingoism and violence. So, अब ये देखिए कि हम कोई अहम आइडिया मिस नहीं कर रहे, हम उसको कंसाइज करते हुए चले जा रहे हैं. ठीक है, इस तरह आप कर लेना, इस तरह से ज्यादा आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी. इस तरह कर, इट विल इंक्रीज योर
ठीक है, वो ज्यादा इजीली बेटर अंडरस्टैंड होगी। हॉरिजॉन्टल कर लें, यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे मूव करते हैं। अब ये ट्रिकी वाला पार्ट है, इसको देखें कैसे डील करना है। ही इज द वन हु डिस्पाइसेस, तीन आइडियाज इसके अंदर मौजूद थे और वो तीनों आपने कैच करके अपने अल्फाज में लिखना। ही इज द वन हु डिस्पाइसेस नॉन अटैच्ड इंडिविजुअल, नॉन लॉयल बंदे को डिसलाइक करेगा। एंड होल्ड्स अप फॉर द एडमिरेशन द पर्सन हु इन ओबीडियंस टू द बॉस who happens at the moment to have that political power systematically, और अपने बॉस का obedient होगा, अपने dictator का obedient होगा, cultivates all the passion, pride, danger, envy, hatred, which the philosophers and the founders of the religions have unanimously condemned as the least worthy of the human beings, और वो अपने अंदर वो तमाम negative attributes grow करेगा, कल्टीवेट करेगा तमाम नेगेटिव एट्रीब्यूट जिसको रिलीजियस लोग और किस लोग डिसलाइक करते हैं। तीन आइडियाज, और प्रेसी के अंदर आपने इन तीनों को एक आर्टफुली वे में बयान करना है। इसको देखें प्रेसी कैसे बनी हुई है। अ फासिस्ट हेट्स नॉन लॉयल पर्सन, आइडिया नंबर वन, एंड प्रेजेस द पर्सन हु इज ओबीडियंट टू बॉस, आइडिया नंबर टू, एंड हैज ऑल द नेगेटिव, यहाँ पे मिसिंग है नेगेटिव, आप लिख लेंगे खुद से, एंड हैज ऑल द नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स व्हिच फिलोसोफर्स डिसलाइक। सारी थॉट हमने यहाँ पे कंसाइज कर दी। थॉट नंबर वन, क्या ये ओबीडियंट टू द बॉस की बजाय ओबीडियंट टू द डिक्टेटर लिख दें तो थोड़ा सा मजीद बेटर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो जो सिस्टमैटिक पावर पॉलिटिकली ग्रैब वाला वो एलिमेंट भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? ये भी ठीक है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स अगर लिखें फार बेटर है, एंड हैज ऑल द नेगेटिव एट्रीब्यूट्स व्हिच फिलोसोफर्स डिसलाइक, कि उसके अंदर वो नेगेटिव, आप इसी तरह नेगेटिव लिखिए, जो प्राइड है, हेटेड है, एनवी है, वो क्या है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, और उनको फिलोसोफर्स डिसलाइक करते हैं। ये भी ठीक है, मैं आपका पॉइंट कैच कर गया हूँ, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज बिट बेटर, गेटिंग दिस पॉइंट। सो इसके अंदर तीन आइडियाज थे, फासिस्ट हेट्स नॉन लॉयल पर्सन, एंड प्रेजेस द पर्सन हु इज ओबीडियंट टू डिक्टेटर, बॉस की बजाय क्या लिख लें, डिक्टेटर, एंड हैज ऑल द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच फिलोसोफर्स डिसलाइक। सो दिस इज द आर्ट ऑफ द प्रेसी, प्रिसाइज कर दिया, फैली हुई बात को मुख्तसर करके प्रिसाइज कर दिया। आगे देखिए, ऑल फासिस्ट प्लानिंग therefore has but one aim, fascism ki tamam planning ka ek aim hota hai, to make national society more efficient as a war machine, ki national society ko war machine ke taur pe istemal kiya jaye, warring society banana chahta hai fascist banda। industry, commerce and finance are all controlled for this purpose, और इन ये तीन एग्जांपल्स इनको क्या नाम देंगे, यार साकिब ये तुमने कैसी बात कर दी, इस तरह ना करें आप, ठीक है, वो थोड़े से मुझे कई वाला नजर आ रहे हैं, आप इधर उधर की बार बार देखते हैं, इसमें क्या बात की जा रही है, रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, और रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट को इस्तेमाल करेगा इस पर्पज, इस पूरे यूनिट ऑफ थॉट को उठाया जाए तो क्या होगा, फासिस्ट वॉरिंग सोसाइटी बनाने के लिए रिसोर्सेज ऑफ स्टेट का इस्तेमाल करना है, यही चीज आप लिखेंगे। हेंस आप आखिर में खुद से लगा सकते हैं ताकि फीलिंग क्लियर हो कि आप अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। हेंस ही यूटिलाइजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ स्टेट टू फॉर्मुलेट आ
वॉर लविंग सोसाइटी, ये आइडिया आपने उसको कैच करके अपने अल्फाज में लिख दिया। अब ये सारा काम एक हुनर है, एक आर्ट है जो दो चीजों पे बेस कर रहा है, एक आपकी राइट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा उस राइट अंडरस्टैंडिंग को कंसाइज करके सिंपल करके अपने अल्फाज में लिखना। ये दो बेसिक स्किल्स आपको बेसिकली चाहिए। और ये स्किल्स कैसे आएंगे आपके पास, जब आप बार बार इन स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट पैराग्राफ्स के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता ये स्किल्स आप अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे, फिर ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनना शुरू हो जाएगा, फिर आपके अंदर इसकी नर्व डेवलप हो जाएगी, और उस पॉइंट पे आप प्रेसी को देखते साथ एक रीडिंग में ही एनालाइज करके रख देंगे कि इसको इस तरह कट करके यहाँ से इस तरह करके आधे घंटे में प्रेसी बना देंगे। When you have attained that skill, आखिरी पेज पे आए, आखिरी जो पेज है ठीक है, ये वाला पेज ठीक है, दिस पेज ऑनलाइन स्टूडेंट्स लास्ट पेज, आखिर में ये प्रोडक्ट आपने तैयार कर दी कहां पे, फ्रंट पेज पे। ये सारा काम मैंने बताया, ये आपने क्या करना है रफ पेजेस पे, फ्रंट पेज पे ये चीज होगी आपकी। टॉप पे क्या लिखा हुआ है, टाइटल, इसी तरह आपने एग्जैक्टली करना है। फ्यूरी ऑफ, हाँ जी सर, सर ये वाला जो आप दिखा रहे हैं ना, ये वाला नहीं शेयर हुआ, फर्स्ट पेज फर्स्ट साइड शेयर हुई है, बैक साइड नहीं शेयर हुई। बेटा स्टेप बाय स्टेप वाला आप लोगों के साथ शेयर हुआ है, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप प्रेसी किया है। बेटा आप फिर बात करके गुम हो जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप वाला आपने देख लिया। आखिर में जी सर, वो एक शेयर हुआ था, ये जो ये वाला पैराग्राफ में नहीं शेयर हुआ, देखिए ओपन करें आपके पास होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देखिए, मौलवी साहब को तो हुआ हुआ शेयर नहीं हुआ, ये वही चीज है ना, आपने वही बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है छोड़ दें इस बात को, जो आपने पार्ट्स पे डिवाइड किया उनको कनेक्ट करके एक पैराग्राफ बना, टाइटल टॉप पे होगा, टाइटल क्या होगा आपका, इसका टाइटल क्या बनता है, थ्योरी ऑफ फासिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म, characteristics of fascism, attributes of fascism, कोई भी टाइटल आप दे सकते हैं, क्योंकि पूरा पैराग्राफ किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, फासिज्म के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। ये भी हो सकता है, सबसे बेस्ट है आप लिखते हैं attributes of fascism या theory of fascism, ये कॉलन लगा के ये चीजें करके ये ना करें, सिंपल टाइटल, टाइटल थ्योरी ऑफ फासिज्म, बस सिंपल थ्री सेफ स्ट्रेटजी, ठीक है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ किसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, फासिज्म की थ्योरी के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, और फिर आपने वो तमाम थॉट्स को आपने मिला के एक पैराग्राफ इस तरह कन्वर्ट कर रहा है, वही बातें हैं, लेट मी रीड इट आउट। अकॉर्डिंग टू फासिज्म ओनली वॉर ब्रिंग्स द बेस्ट ऑफ मैन एंड पोर्ट्रेज हिम एज अ नोबल पर्सन, इट निगेट्स पीस एंड बिलीव्स इन वॉर एंड डिस्ट्रक्शन, it opposes the religious teachings of believing in Judaism and violence, a fascist hates knowledge person and praises the person who is obedient to the boss and has all the qualities which philosophers dislike, negative qualities of karne, hence he utilizes all the resources of the state to formulate a war loving society, that is it। aakhir mein kya karna hai, total words jo paragraph ke hain aur niche aapne likhne hain Plessy words, आपने जो प्रेसी के वर्ड्स बनाए हैं। अब ये टोटल वर्ड्स कितने हैं, 211, 211 को 3 पे डिवाइड करके कितना आता है, 70.33, समझ लेंगे 71 या 72। अब इसके अंदर 5 ऐड करें कितने होते हैं, 72 के अंदर 5 ऐड करें कितने होते हैं, 70
72 के अंदर अगर 5 ऐड करें कितने होंगे 77 72 में से 5 माइनस करें कितने होंगे 67 इनके दरमियान आपकी प्रेसी होनी चाहिए Getting this point? Yes. यानी कि आप 67 तक मिनिमम जा सकते हैं मिनिमम 67 तक मैक्सिमम 77 यानी कि एग्जैक्टली अगर हमारी 72 की है तो हम हेर फेर कर सकते हैं 5 अल्फाज या 5 अल्फाज ज्यादा होंगे या कम होगा और तो कुछ नहीं हो सकता ना या ज्यादा या कम और कुछ हो सकता है तो ज्यादा में क्या बन सकती है आपकी 77 तक कम में 60 अपना 7 तक जा सकती है तो ये प्रेसी बनी हुई 73 की तो ये दैट इज फॉलिंग इन दैट रेंज के उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में फॉल कर रही है कि इसमें एक वर्ड ज्यादा है आपके 1/3 के रूल से 5 का आप मार्जिन ले सकते हैं पॉइंट क्लियर है तो आखिर में आपने यही चीज करनी है टोटल वर्ड्स बयान कर देने हैं ठीक है और प्रेसी वर्ड्स बयान कर देने टाइटल टॉप पर लिखना है और इस तरह का एक नीट क्लीन पैसेज आपने बनाना है कि जिसके अंदर आप कोशिश करेंगे कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो क्योंकि अगर एक पैराग्राफ के अंदर ही अगर आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स निकल आए या इलॉजिकल बातें निकल आए तो वो सडनली चीज आपके लिए डेंजरस साबित होगी हाँ जी नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क उस तरह का अगर कोई केस आए थे कि प्रेसी में कई चीजें होंगी ठीक है प्रेसी टू प्रेसी मूव करती हैं ठीक है डबल कॉमा से आप अगर ये बात कर रहे हैं कि अगर दो कॉमा के दरमियान एक सेंटेंस है तो ये होगा अनएसेंशियल ये हमने पंक्चुएशन में देखा था कि अगर एक क्लॉज के स्टार्ट में कॉमा हो और आखिर में भी कॉमा हो तो वो क्या होगी अनएसेंशियल क्लॉज आप पूछना क्या रहे नहीं समझ लगी मुझे नहीं आप ये पूछ रहे हैं कि ये चीज ये कॉलर और सेमी कॉलर ठीक है अगर ये पैराग्राफ के अंदर आ जाए तो इसमें क्या है आपने थॉट को कैच करना है अगर ये आ जाए तो आपने इससे पहले का सेंटेंस और इसके बाद का सेंटेंस एक ही यूनिट होता है दोनों के अंदर इसके पहले का सेंटेंस इसके बाद का एक पूरा यूनिट होगा और इसके पहले का सेंटेंस और इसके बाद का सेंटेंस एक यूनिट होगा कॉलन और सेमी कॉलन का इस्तेमाल हम कुछ आप में से मेरे ख्याल लिए क्लासेस किसी ने नहीं ली पंक्चुएशन क्लास आप लोगों ने ली हुई है ठीक है पंक्चुएशन की क्लास में मैंने ये बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि इन दोनों का यूजेज क्या होता है इन दोनों का यूजेज सिर्फ आपने इतना अंडरस्टैंड करना है कि अगर किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक सिंगल यूनिट ऑफ थॉट है बस इन चीजों से डरा ना करें कि वो खतरनाक चीजें नहीं है कि ये एक यूनिट ऑफ थॉट को शो करती है और कोई सवाल अगर आपको कोटेशन का जो मतलब है कोटेशन का जो पर्पस है कोटेशन जिस फैक्ट के बारे में बयान कर रही है वो फैक्ट आप देख सकते हैं ठीक है अगर कोई भी कोटेशन आ जाती है लाइक डिस्टेंट ड्रम्स साउंड स्वीट के इसका कहने का मतलब है कि वन शुड नॉट गो फॉर द फॉल्स बिलीव्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन शुड नॉट गो फॉर द फॉल्स बिलीव्स सो उस कोटेशन का जो मीनिंग है या जो मकसद है वो आप लिखो जो पर्पस है ठीक हो गया गेटिंग दिस पॉइंट यानी कि ऑन द होल आपने उन अल्फाज में जो बयान करने की कोशिश की जा रही है उसको आपने कैच करना जरूरी नहीं है अकॉर्डिंग टू ऑथर भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो है वो मिंटो भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर लिख लें तब भी ठीक है अकॉर्डिंग टू मिंटो लिख लें तब भी ठीक है नो इशू विद दिस एट ऑल लेटर्स
देखिए टाइटल में थ्योरी का चीज कैपिटल है, ऑफ स्मॉल है, फैशिज्म का एफ कैपिटल है, एग्जैक्टली इस तरह निकली वेव्स का डब्ल्यू कैपिटल, ऑफ स्मॉल, फेमिनिज्म का एफ कैपिटल है। प्रेसी में नंबर्स लिखने का नंबर अगर प्रेसी के अंदर कोई डेट आ जाए, डेट कहे ना बेटा, डेट या नंबर कोई भी नंबर होगा, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? एक तो समझ नहीं लग रही मुझे काफी देर से, अगर प्रेसी के अंदर कोई आ जाए डेट या कोई नंबर, अगर तो पैराग्राफ आपको फील करा रहा हो कि इस डेट को मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है, तब आप उस डेट को मेंशन कर सकते हैं। अगर अदरवाइज हो, अगर वो पैराग्राफ के अंदर इस तरह से फिट इन ना हो रहा हो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है पाकिस्तान गॉट फ्रीडम इन 1947 फुल स्टॉप, Since then it is facing various economic issues, problems, blah blah blah. अब इसको ये लिख सकते हैं कि since 1947, comma, Pakistan is facing a number of issues. बेटा देखिए since 1947 को अगर आप जो from the mid of जरूरी नहीं है, ठीक है बेटा, बात इनकी ये है, मैं किस तरफ नहीं जा रहा। 1947 को आप ये कह रहे हैं कि मिड ऑफ 19th सेंचुरी लिखिए, ये आप कह रहे हैं? नहीं नहीं ना लिखे, छोड़ दें छोड़ दें, ये लिखे बस, दिस पॉइंट इज क्लियर, बस छोड़ दें। सिंस 1947 में कम वर्ड्स हैं या फ्रॉम द प्रीवियस मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में किस वर्ड्स किस में कम है, वो आप कौन से तरफ जा रहे हैं उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं? फ्रॉम द मिड सेंचुरी ऑफ द 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स सिंस 1947, दो अल्फाज हैं। आपने बात करनी है कुछ चीजें सही अपने जहन से सोचा करें कि आपने बात को फैलाना नहीं, बात को आपने कंसाइज कर, आर्टिकल भी काउंट होता है, वर्ड काउंट के अंदर आर्टिकल भी काउंट होता है, और टाइटल देते हो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है टाइटल का, जो प्रपोजिशंस होती हैं या आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल में, एज यहाँ पे ठीक है, ठीक है। ओ फासिज्म इक्वल नहीं उस तरह ना करें, दैट इज ओके, कोई मुश्किल नहीं, कॉलम भी लगा सकते हैं और इक्वल का साइन भी दे सकते हैं, एग्जैक्टली आप इस तरह फॉलो करें, टाइटल ले कि आप इक्वल का साइन दें और आगे टाइटल लें, इन चीजों से आपकी प्रेसिंग ही पास फेल होती है, पास फेल होगी यहाँ पे सर। हाँ जी बेटा, तो सर एक मतलब ऑप्टिमम टाइम मतलब कितना देना चाहिए किसी बंदे को रीजनेबल प्रेसिंग के लिए? देखिए अगर आप पेपर में बैठे हैं तो टाइम जो प्रेसिंग के लिए आपके पास होना चाहिए दैट शुड बी बिटवीन 45 to 50 minutes, 50 minutes से ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बाद आपने कॉम्प्रिहेंशन करनी है, ट्रांसलेशन करनी है, स्मॉल आइटम्स करनी है, सारी चीज़ें करनी है, तो 50 मिनट इज इनफ, 50 मिनट्स द विंडो ऑफ 50 मिनट्स इज इनफ। ये कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिर वो कई बच्चे ट्रांसलेशन छोड़ के आ जाते हैं, कई बच्चे कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के आ जाते हैं, रीजन बीइंग के प्रेसी के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम वो ले जाता है, सो आपने 50 मिनट तक उसको लेके चलना है, इस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। जो वर्ड्स हैं बेटा, जो आपकी बात है नंबर्स को, आप उस पर ना कंफ्यूज हो कि कोई रूल नहीं होता कि नंबर को आप नहीं लिख सकते और उसको उर्दू में लिखना है लाइक मिड ऑफ 19th सेंचुरी, दैट इज नॉट द रूल, दैट डिपेंड्स अपॉन योर ओन कन्वीनियंस। इफ द प्रेसी इज एल्यूडिंग टू द फैक्ट कि यहाँ पे आपको छेड़खानी करने की जरूरत है, तब आप कर सकते हैं। इन दिस केस लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है। जो इस तरह के मेरे जहन में कोई प्रेसी आ नहीं रही जिसके अंदर कोई नंबर, मेरे लिए 1975 की प्रेसी है उसके अंदर कोई ईयर मेंशन्ड है, तो ईयर आप मेंशन करेंगे वहाँ पे, जरूरी है वो ईयर मेंशन करना,
और ऐसे ही लिखेंगे, यानी इसको आप वर्ड्स में नहीं ट्रांसलेट करेंगे, ना ही इसको आप मिड ऑफ द 19th सेंचुरी लिखेंगे, एज इट इज 1947। देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स में आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स में दो चीजें होती है, एक चीज पहली चीज तो आपकी वोकैब, वोकैब शुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वोकैब इज पार्ट एंड पार्सल फॉर योर सीएसएस एंड मोर ओवर पर्टिकुलरली फॉर द प्रेसीज, क्योंकि अगर कुछ डिफिकल्ट अल्फाज हैं जो आपको नहीं आए और उससे आप पैराग्राफ के मीनिंग को नहीं कैच कर पाए, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर। सो आंसर नंबर वन, वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते जाएं साथ साथ। आंसर नंबर टू, समटाइम्स देयर आर द वर्ड्स और एक्सप्रेशंस व्हिच मे नॉट कम टू यू इवन इफ, बिकॉज नो वन इज एनसाइक्लोपीडिया, कि आपको नहीं समझ लगता, हो जाता है कुछ वर्ड जैसे आते, उस केस में आपने एक जुगाड़ लगाना है जिसको कहते हैं कॉन्टेक्सुअल मीनिंग। कॉन्टेक्सुअल मीनिंग आपने अंडरस्टैंड करना है कि वो वर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से इस्तेमाल होगा, उस वर्ड से पहले क्या डिटेल है, उस वर्ड के बाद क्या डिटेल है, उस वर्ड की रेलिवेंस उस सेंटेंस में किस तरह की होगी। यहां से आपको आइडिया हो जाता है कि वो हीरोइक वर्ड है, वो विलेनियस वर्ड है, वो कोई पॉजिटिव चीज है, कोई नेगेटिव चीज है, और आपको एक जिसको हम कहते हैं कयास आराई, एक रीजनेबल अंदाजा आपको हो जाता है, अगर 100% नहीं तो रीजनेबल इनफ लॉजिकल गेस ऑफ दैट वर्ड विच इन 90% केसेस सर्व्स द पर्पस। In my 2019 attempt, I came across a word which I still do not understand, and I didn't bother to see it in the Google afterwards. कोई याहूज़ ऑफ गुरीला पता नहीं क्या उसने बात की, जिसकी मुझे कोई कहते हैं कि inclination भी नहीं थी कि कोई के ये क्या चीज़ है, कि कुछ दूर तक कोई नहीं कि यार ये what is this, कोई idea नहीं, but contextual meaning कि वो paragraph में किस तरह fit हुआ है, उसके पहले क्या डिटेल है, उसके बाद क्या डिटेल है, पैराग्राफ में उसकी रेलिवेंस क्या बन रही है, अंदाजा आपको हो जाता है कि इट इज समथिंग नेगेटिव, तो उसको मैंने नेगेटिव एट्रीब्यूट्स का कुछ नेगेटिव वेज का कुछ करके इस तरह नाम देके प्रेसी बनाई थी, और आइडिया सेंस कन्वे कर रहा है, सेंस कन्वे कर गया, सो दैट वॉज पास्ट नेगेटिव। यस, सो दैट वॉज आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट दिस इज अ टेक्निक which will come to you after solving a quite good number of the paragraphs, that your perception power and understanding power is of that sense that you can easily draw the contextual meaning from that phrase or that sentence. To sari game basically beta ye practice ki, chahe essay hai chahe precis, to ye sirf game practice ki, so that is required of you. ठीक हो गया, इस पे आई विल असाइन यू अ पैराग्राफ दिलहन की बुक में से, उस पैराग्राफ को आप रीड करके उसकी प्रॉपर प्रेसी बना के आइएगा, और उसको ब्रीफली तौर पे मैं देख के क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा, और उसके बाद कुछ आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे कि जिसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स आई विल बी एलोकेटिंग टू यू, उसकी आप प्रेसी बनाएंगे और उसकी इवैल्यूएशन होगी, और उस पे सॉल्व पैराग्राफ्स मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको साथ साथ सेंड करता रहूं। दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, पैराग्राफ इंशाल्लाह मैं आपको अब मैंने उनको सेंड कर देना है वाजिद साहब को, उनको अब लाजमी रिमाइंड करा दीजिए। ठीक है, गिलन की बुक में से ही होगा, आई हैव थॉट फॉर पैराग्राफ फॉर यू, मैन एंड मशीन वाला वो इजी है। ठीक है जी, ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? ऑल राइट, स्टे ब्लेस्ड। Hello. Thank you.
हाँ मैं हाँ चीज़ देने के यार